ठीक है जी, यू कैन ज्वाइन ऑन द यूट्यूब एज वेल। चलिए, क्या पूछना है मनीष? टेस्ट का? टेस्ट का तो बताया बेटा, मेरा तो जितना होगा मैं तो वो करवाऊंगा, उसका टेस्ट होगा। और आपको बताया है कि 15-16 तारीख के बाद जब भी आपका मंडे आता है, नेक्स्ट मंडे आई थिंक 19th, तब होगा टेस्ट आपका। क्यों ना सैटरडे को रख दें फिर, सैटरडे को या फ्राइडे को। बताओ आप मेरे को बता दो, टेस्ट तो बना पड़ा, मैं तो अभी लिंक ही ऑन करना पीछे से। इन एनी केस आप आपस में डिसाइड कर लो जल्दी से जल्दी, और यू कैन गिव मी कि सर ये बताइए, यहाँ पे हमने ज्वाइन करना है, ये हमने करना है, ठीक है, इस दिन हमने टेस्ट देना है। ठीक है, टेस्ट सबने देना बेटा, नहीं तो आपके नंबर 0 लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में उनके नंबर 0 ही लगेंगे जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया। यस बेटा, सिर्फ साइंस का ही दो, मैं अपना ही लूंगा, ठीक है, बाकी देखी जाएगी। मेरा ही दो पहले, मेरा तो दे के देख लो, साइंस एंड टेक का। गुड गुड। सो यस्टरडे हमने कहां तक कर लिया था? डिड वी डू आर एल बी टी डी? यस गुड, आप मेरा ही तैयार करके दे लो, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम जो पेपर में दिया था, मैंने आपको कौन कौन से पेपर टॉपिक दे दिए थे, याद है कुछ? आई थिंक फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया था, एंड आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स हो गया, या तो ऑप्टिक्स हो गया। ओके ओके ओके, थर्मोडायनेमिक्स हो गया था, आर यू श्योर? ठीक है जी, ऑप्टिक्स से स्टार्ट करना है, तो ऑप्टिक्स आएगा, फोर्सेस आएगा, ग्रेविटेशन आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, साउंड्स आएगा, ठीक है, और क्या हो सकता है साउंड के अलावा? हमने कुछ और पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ा है हमने, ठीक है, और उसके बाद जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का सारा पढ़ के आए हम, ठीक है, ये सारे का सारा आपका, ये वर्क फोर्स नहीं करवाया, आई थिंक वर्क फोर्स तो करवाया, वर्क पावर एनर्जी नहीं करवाया अभी, वो मैं आपको न्यूक्लियर एनर्जी के साथ ही कराऊंगा बेटा, ठीक है, तो वो अलग से क्लासेस लगेंगी, 4-5 क्लासेस उसकी हैं, ठीक है, तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी का। वर्क पावर एनर्जी से पहले मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म करना चाहता हूँ आपका, इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करेंगे, ठीक है जी, या डिफेंस कर सकते हैं, डिफेंस मिसाइल्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी जो इसी के साथ में है, बहुत बड़ा मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है, तो कोई भी जो मेरे हिसाब से बने पाएगा तो मैं आप करवा दूंगा आपको, ठीक है जी। चलिए, सो वी हैव डन अप टिल हियर, है ना, तो वी हैव डन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिशन, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी जब आप मिशन पढ़ते हो, यस बेटा वीना, लेंस होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है, तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हो कोई, कल तो बेटा संडे है, ट्यूसडे सॉरी सैटरडे है ना, कल सैटरडे को मेरी क्लास कहती, आई हैव 4 क्लासेस, ठीक है, सो वी विल थिंक ऑफ समथिंग, आप टेंशन मत लो, या तो इसी को आगे ले जाऊंगा, इसी में डिफेंस टेक्नोलॉजी भी करा दूंगा, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में डीआरडीओ आएगा, और उसके नीचे सारा का सारा आपको जैसे इसरो की बॉडीज पड़ी थी उसी की तरह डीआरडीओ की सेटअप की बॉडीज पढ़ लेंगे, और उसके अलावा हमारे पास मिसाइल प्रोग्राम ऑफ इंडिया है, जिसमें पृथ्वी अग्नि और वो है सारा कुछ, ठीक है, ये सारा कुछ आता है उसमें, लेटेस्ट कोई अगर कोई डेवलपमेंट हुई है तो वो आ जाएगी, ठीक है, एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएपीएफ की जो आपका एग्जाम है ना उसमें आपको एक्सरसाइजेस जरूर आती है, व्हाट आर एक्सरसाइजेस, जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे इंडिया ने अभी यूएसए के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ट्राइलेटरल किया, ठीक है ना, एक पैसिफिक रिम पैक बोलते हैं उसको, RIMPAC, रिम पैक, जो रिम पैक है वो यूएसए और जापान के साथ मिल हमेशा होती रही है, लेकिन इस बार इंडिया को भी मिलाया गया साथ में, ठीक है ना, तो ये चीजें जो होती है कि वो बोलते कि अगर रिसेंटली एक्सरसाइज सूर्य किरण वाज डन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड विच अदर कंट्री, तो इंडिया के साथ कौन सी कंट्री था जिसने सूर्य किरण में हिस्सा लिया, ऐसी 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 मालाबार है,
ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी और हैंड इन हैंड है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी एक्सरसाइज है मिलिट्री जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका मैं टेबल और चार्ट बना के दूंगा आपको पूरा, वो आपका सीएपीएफ के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में वहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है जी। आवाज सुन रही बेटा? ओके, सबको डन। चलिए, तो आज हम कल जो गगनयान मिशन कर रहे थे, तो हमने ये बेसिक्स करके आए थे। अब आपको कोई ये तो नहीं ना टेंशन की भाई सर ये क्या होता है, या गगनयान मिशन में व्हाट इज जीएसएलवी, व्हाट इज पीएसएलवी, ठीक है ना, उसका तो कोई चक्कर नहीं है ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट ना? तो ये होता है आपका बेसिक नॉलेज बनाना, ये होता है आपकी वो कैप डेवलप कराना बेटा, ठीक है। अब आपको आज जो करवाऊंगा वो और अच्छी चीज होगी, उससे आपकी और जो है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। गुड गुड रिबिका, गुड। सो हमने ये देखा कि क्या प्रोजेक्ट के मेन फायदे होंगे, एनहांसमेंट होएगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेवल्स ऑफ कंट्री एंड स्पेस डिप्लोमेसी। ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक है स्पेस डिप्लोमेसी, स्पेस डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल है बेटा। जैसे आज इंडिया अगर फ्रेंच रशिया से हेल्प मांग रहा है, जैसे मैंने कल बताया था कि रशिया इंडिया के सारे साइंटिस्ट जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो 4 IAF पायलट सिलेक्ट किए हैं इंडिया ने गगनयान मिशन के लिए, वो सारे के सारे ट्रेनिंग कहाँ ले रहे हैं? रशिया के पास जाके। तो ये एक तो डिप्लोमेसी होती है ना, डिप्लोमेसी होती है जैसे कि इंडिया का जो दूतावास होता है या डिप्लोमेट होता है वो वहां पे दूसरे कंट्री के साथ मिलके रहते हैं, ठीक है। अगर हम चाइना के साथ भी हमारे रिलेशन अगर खराब हुए हैं, लेकिन हमने उनके डिप्लोमेट को यहाँ से भगाने की कोशिश नहीं की, या उन्होंने हमारे डिप्लोमेट्स को वहां से भगाने की कोशिश नहीं की, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं कि जैसे अब क्योंकि सीधी लड़ाई नहीं लगती कभी भी, जाके सीधी लड़ाई लड़ लो, ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा बैक चैनल चलते रहते हैं। बैक चैनल कौन काम कौन करता है? एम्बेसीज, यस शिवम सिटी, एम्बेसीज जो होती हैं वहां पे, हमारी एम्बेसी जितनी है वहां के जो डिप्लोमेट होंगे, एक एम्बेसडर होगा हमारा, एम्बेसडर जो होगा इंडिया का गया चाइना में, वो भी आईएएस के एग्जाम के थ्रू ही सिलेक्ट होते हैं सारे के सारे इंडियन फॉरेन सर्विसेज में। तो वहां पे जाके आप बैक चैनल खोलोगे, नहीं जी मेरी सरकार का ये कहना है, आपकी सरकार का क्या कहना है, आप मेरे को बता दो, मैं अपनी सरकार को बोल देता हूँ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये उसको बोलते हैं डिप्लोमेसी। यस बेटा, ब्लैक होल तो बहुत अच्छी चीज है, एंड आई आई वांट टू डू दिस, बट जैसे ही आपका इसका रिलेशन आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ब्लैक होल बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इवेंट होराइजन, ब्लैक होल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। चलो आगे चलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी एंड इंस्पायरिंग यूथ, ये भी हम बात के चलेंगे कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इसका रोल होता है। आपको कल भी बताया था कि बहुत सारी जो एडवांटेज, बहुत सारी जो डिस्कवरीज हैं, जो मिनिएचराइज्ड अल्ट्रासाउंड है, हमने एक लैपटॉप के रूप में डिस्कवर किया था, ठीक है ना, तो वो बनवाया था, इन्वेंट किया था, नॉट डिस्कवर, इन्वेंट किया था। तो वो हमने इसी कारण किया था क्योंकि इतना बड़ा, अगर हम अल्ट्रासाउंड की मशीन ऊपर लेके जाएंगे ताकि कोई भी एस्ट्रोनॉट बीमार ना हो जाए तो अल्ट्रासाउंड कर पाए उसका, अगर उसको पेट दर्द हो रहा है तो उसको अल्ट्रासाउंड कर पाए, तो उसके लिए हमने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ठीक है जी। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है बहुत बार कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा भी जैसे कि जब वो अपोलो मिशंस हुए थे, या जो ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं हमारे, क्या कहते हैं, फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू लैंड ऑन द मून, ठीक है ना, वो वाला जो यान गया था उसमें जो मतलब जो रॉकेट्स गए थे उनमें जो टेक्नोलॉजी लगी थी उस टाइम, मैंने आपको बताया 256 MB के लिए बहुत बड़ा स्पेस घेरा था उसने, तो वो सारी टेक्नोलॉजी को कंडेंस करना ये कब हुआ? क्योंकि ये डेवलप सारी नासा के द्वारा की गई है, ठीक है, और बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइवेट प्लेयर्स को दी गई है, समझ रहे मेरी बात, जो अभी इसरो करने की कोशिश कर रहा है थ्रू इन स्पेस। डन, डेवलपमेंट ऑफ सोशल बेनिफिट्स होगा ही होगा जब ये सारे के सारे आपको मिलेंगे तो, ठीक है ना। अच्छा, कल मैंने बताया था गगनयान जो मिशन है वो 3 पार्ट मिशन है, ठीक है, जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है वो अनमैंड जाएंगे, अनमैंड होगा, और लास्ट पार्ट जो थर्ड मिशन है जो दिसंबर 2021 में आएगा वो मैंड मिशन होगा। मैंड मिशन मतलब 3 बंदे हम ऊपर भेजेंगे 5 से 7 दिन के लिए, ठीक है ना। तो इसरो विल सेंड व्योम मित्र इन द अनमैंड गगन यान एयरक्राफ्ट।
व्योम का मतलब होता है स्पेस, मित्रा का मतलब होता है फ्रेंड। स्पेस फ्रेंड की तरह से एक जो है रोबोट हमारा गवर्नमेंट द्वारा भेजा जाएगा ऊपर, ठीक है। ओके, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, ये भी एक बहुत, मैं ये सारे क्वेश्चन ना ये सारे एक दिन लेक्चर में लूंगा आपका। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ब्लॉक टेक्नोलॉजी जो मैंने आप बताया था पेपर में आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी आया क्वेश्चन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं इनके लिए पूरा एक लेक्चर, साइंस एंड टेक का 2 लेक्चर लगेगी इवन बहुत अच्छे से समझाने में, ठीक है। बेटा अभी होने हैं, 2 होने बाकी हैं अभी, हमने एक 2021 में भेजे हैं, दोनों ही मिशन हम 2021 में भेज रहे हैं, ठीक है जी। ओके चले आए, तो इसको जो है ये जो बनाया व्योम मित्र किसने बनाया है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने बनाया है इन कोलैबोरेशन विद इसरो, ठीक है। तो ये जो अनमैन्ड जाएंगे इसमें रोबोट्स जाएंगे, रोबोट जाके वहां पे डाटा इकट्ठा करेंगे कि भाई माइक्रो ग्रेविटी क्या होती है, वहां पे कैसा एनवायरमेंट होता है, क्या क्या आपको वहां पे नेसेसरी है चीजें लेके जाने के लिए। यस, नेक्स्ट ईयर 2021 में। ओके, सो वी हैव डन दिस आल्सो। एक हमने शुरू में बॉडी पढ़ी थी, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, क्योंकि इंडिया के पास अपनी बॉडी नहीं है बेटा बहुत, जैसे नासा के पास अपना पूरे का पूरा एक उनका स्टेब्लिशमेंट है जिसमें वो एस्ट्रोनॉट्स की तैयारी करवाते हैं रहने के लिए स्पेस में। बेटा 5 से 7 दिन अगर रखना है तो भूखे तो रहोगे नहीं, खाना खाओगे, वॉशरूम भी जाओगे, ये सारा कुछ ट्रेनिंग करना, वहां पे रहना कैसे है, वहां पे मतलब कौन सी चीजों का खास ध्यान रखना है, जितने भी जी विदाउट जी मतलब 0 जी पे आप कैसे रहते हो, वो किस तरह से रहना है, उनको कैसे सर्वाइव करना है, कैसे टेम्परेचर मेंटेन करना है, इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना। तो ये सारी चीज एक इंडिया ने अभी 2 जनवरी 2019 में अपना एक सेंटर बनाया, क्योंकि हमारे पास इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो हमने स्पेस डिप्लोमेसी का यूज किया। हमने किसको बोला, हमने बोला फ्रेंच वालों को, या CNES जो उनकी इसरो की तरह की उनकी फ्रांस वालों की एक बॉडी है, उनको हमने बोला कि हमें आप अपने एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने दो। इसी तरह ये रशिया की एक इसरो की तरह एजेंसी है ग्लाव कास्मोस, ठीक है ना, उसको हमने बोला कि भाई आप हमारे को हेल्प करो। इंडिया इज डूइंग ऑल दिस व्हाई, क्योंकि ये बेटा बहुत ज्यादा नेसेसरी है। आप सीधा 4 बंदों को डाल के स्पेस में नहीं भेज सकते हो, वहां पे कैसे रहना है, किस तरह से एमरजेंसी को डील करना है, हर एक चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए, हर एक चीज का। अगर आप सांस बाहर निकाल रहे हो, CO2 हो रहा है, अब पता है एक कमरे में एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। अगर मैं सारी बारियां बंद कर दूं, एक जगह भी ऐसी ना हो सील ना हो जहां से वो अंदर बाहर आ सके हवा, तो एक टाइम बाद आपको पेल एयर लगने लगेगी, ठीक है। जब आप बाहर निकलोगे आपको लगेगा कितनी फ्रेश एयर है, जब मैं कमरे में एंटर करता हूँ कितनी गंदी एयर आती है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पे CO2 ज्यादा हो जाती है बेटा, क्योंकि वी एक्सपायर CO2 एंड वी इनहेल ऑक्सीजन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, ह्यूमस होने लगता है। यस यस, तो ये सब चीजों को कंट्रोल करना कि ये सारा कुछ कंट्रोल कर पाए हम, वो कौन करेगा, वो वैसे अब के बाद हमने अपना एक सेंटर डेडिकेटेड सेंटर बना रहे हैं, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये भी देखा जाता है बेटा, जो एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जा रहे हैं क्या उनका दिमागी संतुलन ठीक है कि नहीं, उनकी साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन होती है, ये सारी चीजें हम करते हैं। ये अब से हमारे जो जनवरी 2019 से हमने 2100 के अंडर बॉडी बनाई है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ, दीज आर द नेक्स्ट फ्रंटियर्स। नाउ इसरो इज मूविंग फ्रॉम वही कि भाई रॉकेट बनाओ रॉकेट बनाओ रॉकेट बनाओ, नहीं, अब वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो सारे चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गगनयान प्रोजेक्ट। तो स्पेस डिप्लोमेसी बहुत जरूरी है बेटा, कैसे क्रू की सिलेक्शन होगी, कैसे उनका सर्वाइवल होगा, कैसे उनको सस्टेन करना है ह्यूमन स्पाइड मिशन को, ये सब की तैयारी कौन करवाएगा, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ठीक है। ये बेंगलुरु में खोला जा रहा है इसरो के साथ, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं हम, बैकग्राउंड सेटिंग तो कर दी थी। अब ये न्यूज में क्यों था गगनयान, न्यूज में क्यों था रिसेंटली, क्या हुआ है कि भाई एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक बॉडी बनाई है, उसका नाम है गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे एडवाइजरी काउंसिल का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर को एडवाइज करेगा, ठीक है,
कि भाई यहां तक स्टेटस पहुंच चुका है, इतना हमारे कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, इतना 60% 70%, जो एक प्राइम मिनिस्टर को समझ लगे कि भाई मेरे को समझ लग रही है कि 70% काम हो गया है, 80% काम हो गया, इस तरह से वो एक काउंसिल बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस द्वारा, ताकि ये प्राइम मिनिस्टर को अज्ञात रहे कि ये ज्ञात रहे कि ये सारा क्या चल रहा है हमारे पास। ठीक है, तो गगन यार एडवाइजरी काउंसिल, इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे? सीनियर ऑफिशियल्स लाइक सेक्रेटरीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक एडवाइजर टू द पीएम, फॉर्मर इसरो चेयरमैन, तो बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे रहेंगे, ताकि प्राइम मिनिस्टर को इस प्रोजेक्ट का पता रहे, वो सुपरविजन कर पाए। ठीक है जी। अब बेटा तभी तो ब्यूरोक्रेसी बनाई जाती है। देखो ब्यूरोक्रेसी इज अ लिंक बिटवीन क्या कहते हैं जो काम करते हैं एग्जैक्टली इसरो के साइंटिस्ट और प्राइम मिनिस्टर, जो रियल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर का कोई विजन होगा या प्राइम मिनिस्टर ने कोई या उनकी पार्टी का कोई विजन है, उसको पूरा करने के लिए वो ब्यूरोक्रेट्स के पास जाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, वो पैसे देखते हैं कि कहाँ से पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, कितने हम एक साल में दे सकते हैं। ब्यूरोक्रेट्स का काम ये होता है टू बी द मिडल मैन बिटवीन द रियल पर्सन एंड द एग्जीक्यूटिव, जो काम करते हैं, जो पीएससी उस काम करते हैं उनके बीच में और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, एक बिचौलिए का काम करते हैं। दे आर एक्ट एज ए मीडिएटर, ताकि क्योंकि ये देखो तभी आपको बताया जा रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ लो बेटा, क्या पता आपकी कल को पोस्टिंग इसरो में लगे और आपको ये ना पता हो कि व्हाट इज जीएसएलवी पीएसएलवी या व्हाट इज बेसिकली गगनयान मिशन की इंट्रीकेसीज ना पता हो, तो यू शुड बी वेल वर्स्ड इन एवरी टॉपिक या एवरी कंसेप्ट, एवरी बुक। ठीक है ना, एवरी सब्जेक्ट का आपको थोड़ा ज्यादा नहीं कि बोलो बहुत ज्यादा कुछ पढ़ा होगा, आपको इसरो साइंटिस्ट नहीं बनाना, लेकिन कुछ तो पता होना चाहिए। डन। सो ये है हमारा गगनयान एडवाइजरी काउंसिल, इट विल डिस्कस ओवरऑल प्रोजेक्ट स्टेटस ऑफ गगनयान। ये देखो ओवरऑल प्रोजेक्ट स्टेटस क्या 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 हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन लाइक जैसे हमने ये नहीं देखा था कल कि ये हमने टिक लगा दिया, ये भी टिक लगा दिया, ये भी टिक लगा दिया, ये भी टिक लगा दिया, ये देखो कंप्लीट होने के ईयर्स भी साथ साथ में लिखे हैं, तो इतने टाइम में हमने ये चीजें कैपेबिलिटीज हासिल कर ली है। अब हमारा जो क्रू है वो ऊपर जाके सर्वाइव कर सकता है, वो ऊपर जाके रह सकता है, उनका जो मॉड्यूल है वो हमने कैप्सूल जो है जो वो बना लिया है, तो ये सारा कुछ डिस्कस करेगा गगनयान। आगे चलते हैं हम, तो व्हाट आर द डेवलपमेंट्स, ये बता दिया कि ये सारा कुछ हो चुका है, क्या चीजें रह ये चुके, ये सारा कुछ हो चुका है, ये डेवलपमेंट हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है ना, क्या रह गया है वो चीजें आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी। एक बार लेट मी चेक कौन सी, ये इसरो हैज रिसेंटली अभी बिल्कुल 1-2 महीने पहले ही स्पेस कैप्सूल के बारे में और स्पेस सूट प्रोटोटाइप के बारे में नया निकाला है कि उनका कैसा स्पेस सूट होगा, इसरो का यहाँ पे मॉड्यूल लगा होगा और इंडिया लिखा होगा, ऐसे ऐसे करके ये पूरे का पूरा स्पेस का प्रोटोटाइप हमने बना दिया स्पेस सूट। हाँ जी हाँ जी, स्पेस जाना है, हो गया अरविंद हो गए। अच्छा, इसरो ने एक और फाइनलाइज कर लिया, एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइव सपोर्ट सिस्टम। लाइव सपोर्ट सिस्टम में क्या आएगा बेटा, अंदर एक ऐसी चीज लगाई जाएगी, अंदर एक ऐसी मशीन लगाई जाएगी जो एयर को कार्बन डाइ जो एयर हम ले रहे हैं उसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट करके ऑक्सीजन को दोबारा वहां पे जनरेट करेगी, ताकि उनको 5-7 दिन के लिए ऑक्सीजन अच्छे से मिल जाएगी, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन के टैंक ऊपर लेके जाएंगे तो उसके बाहर बोर्ड बनेगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार जितनी ऑक्सीजन है हमारे पास एक कमरे में जितनी ऑक्सीजन है, इसमें जब मैं सांस लेता रहूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भरती रहेगी भरती रहेगी। ठीक है ना, और ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है किसी बंदे के लिए भी। तो क्या करते हैं कि जो इसमें कुछ ऐसे ऐसे मशीनें लगा देंगे, वाटर जैसे अभी दिल्ली में क्या होता है कि अभी पहले तो वाटर प्यूरिफायर आया था, अब एयर प्यूरिफायर आ गए हैं। किसी ने सुना ये बात कि दिल्ली में अब एयर प्यूरिफायर का भी बड़ा अच्छा काम चल पड़ा है, बहुत चलता है बेटा दिल्ली वालों के लिए, तो पता होगा जो दिल्ली में रहते हैं, हम पंजाब वाले तो सोचते नहीं ना अभी, पर दिल्ली वालों के लिए रहना वहां पे बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए उन्होंने एयर प्यूरिफायर भी लाए हुए हैं। एक कूलर की तरह ही होता है आई थिंक, वो सारी एयर को अपने पे खींचता है फिर वहां से प्यूरिफाई करके भेजता है ना, तो उसी तरह का कोई सिस्टम इसरो ने इजाद किया है, उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल कंट्रोल, ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करेगा और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को भी। लाइफ सपोर्ट सिस्टम मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करेगा वहां से, प्रदूषण को कार्बन को अब्सॉर्ब करके ऑक्सीजन को वापस भेज देगा, तो ऐसा करके कुछ प्यूरिफायर सिस्टम हमने खोला है। फायर हो सकता है वहां पे फायर भी हो जाए,
फायर डिटेक्शन को और उसके सप्रेशन के लिए भी सिस्टम जो है वो बना लिया, फूड वाटर मैनेजमेंट का और एमरजेंसी सपोर्ट का, ये सारा सिस्टम इसका लेआउट बनाया। अभी टेस्ट नहीं किया इसको, हम अगले साल तक इसको टेस्ट कर लेंगे। यस, स्मोक अब्सॉर्बर, वेरी गुड संकेत। तो ये सारी चीजें आपको देखने को कहां मिलेगी, यहाँ पे, ठीक है जी। कोई बात नहीं सर, आज आज ज्वाइन कर लो, कुछ अभी कल का ही चल रहा है, कुछ ज्यादा हमने आगे नहीं किया, ठीक है। सो वी हैव डन दिस पार्ट आल्सो, कि 36 मिनट का इनका 16 मिनट जाने में लगेंगे और 36 मिनट नीचे उतरने में रहेंगे, ठीक है। कहां पे उतरेगा ये, स्प्लैश टाउन होगा गुजरात में, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, गुजरात में उतर जाएगा और चलेगा कहां, ईस्ट साइड से। देखो उतरने के साइड हमेशा वेस्ट होगी और चलने की साइड जहां से जाना, मैंने इसका रीजन भी बताया था कि हमेशा ईस्ट साइड से निकलते हैं, ठीक है ना, क्यों निकलते हैं ये बताया था आपको लास्ट टाइम। सो वी हैव डन आरएलबी टीडी आल्सो, ठीक है, कैसे ऊपर होगा, कैसे ये लॉन्च होगा और क्या ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल होगा ये, ठीक है, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। सो वी हैव डन दिस आल्सो एंड हाँ, ये थोड़ा रह गया था हमारा, व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्या गगनयान से, क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि आपको व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटेंडेड बेनिफिट्स ऑफ गगनयान मिशन, क्यों हम इस पे 10,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, ठीक है, इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं हम। मैनी ऑफ द करंट टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है, व्हाट द रिजल्ट ऑफ स्पेस रिसर्च, मैंने आपको अभी बताया जो अल्ट्रासाउंड था हमारे पास वो यहाँ से आया, ठीक है, और जो आपके पास आजकल स्पेस है, मेमोरी है, और जो आपके पास माइक्रोचिप्स आती है, माइक्रो एसडी कार्ड्स आते हैं, वो टेक्नोलॉजी किसने डेवलप की, नासा ने डेवलप की, नासा के जो साइंटिस्ट है उन्होंने डेवलप की, और इनका मास प्रोडक्शन करने के लिए उन्होंने ये टेक्नोलॉजी किसको बेची, प्राइवेट प्लेयर्स को बेची, समझ रहे हो। उन्होंने किस लिए निकाली थी, क्योंकि उनके पास इतनी मेमोरी होनी चाहिए थी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कर पाए, ठीक है ना, तो इसलिए उन्होंने ये सारी चीजों का डिस्कवरी की, ठीक है जी। आगे चलते हैं हेल्थ के ऊपर, हेल्थ के ऊपर माइक्रोग्रेविटी का क्या असर होता है, बोन डेंसिटी, मैंने आपको बताया कि आपके जब स्पेस में रहते हो बेटा क्या करना रहता, स्पीड, टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन का कोई मतलब नहीं होता, टेलीमेडिसिन एक इस तरह से यंत्र है, ये टेलीमेडिसिन किसको बोलते हैं, कि हम जो वी सेट टेक्नोलॉजी पढ़ी थी आपने, वी सेट टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो सोचो एक एम्स का डॉक्टर है, प्रोफेसर है, ठीक है, वो सीधा का डॉक्टर है, वो सीधा का सीधा क्या कर रहा है, डायग्नोस कर रहा है पेशेंट को, वो बैठा है मणिपुर में, मणिपुर में भी बॉर्डर वाले एरिया में जहां पे कुछ नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो वहां पे आप क्या बोलोगे, अपने सारे के सारे उनको क्या भेजोगे, जो रिपोर्ट्स हैं वहां से इसकी तरफ भेजोगे दिल्ली में, एम्स के पास, दिल्ली में वो डायग्नोस करेगा कि हाँ ये हो सकता है, ये वाला टेस्ट और करवा लो, ये वाले की टेस्ट रिपोर्ट भेजो और ये वाली दवाई खानी शुरू करो, ठीक है, तो ये टेलीमेडिसिन का बेसिक कंसेप्ट होता है, ठीक है ना, तो ये भी आफ्टर स्पेस टेक्नोलॉजी से ही हमें पता चला, ये भी एक स्पेस टेक्नोलॉजी की देन है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अल्ट्रासाउंड की मशीन अगर आपने देखी हो, जो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या जो 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 हॉस्पिटल में भी जाते हैं, तो उनको पता होगा बहुत बड़ी मशीन होती है ये, है ना, उसके ऊपर कंप्यूटर रखा होता है और वो प्रिंटर लगा होता है, काफी ये होता है, तो उसको एक छोटे से लैपटॉप में कंडेंस करना ये बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना, कि इतने से फॉर्मेट में आपने इकट्ठा कर लिया वो सारा सामान, ठीक है ना, तो वो कर पाओ इतना, ये टेक्नोलॉजी कहाँ से डेवलप हुई है, ये सारी स्पेस के टेक्नोलॉजी रिसर्च से ही डेवलप हुई है, ठीक है। हेल्थ में भी आपको बता दिया मैंने कि जैसे आप माइक्रोग्रेविटी में रहते हो, जैसे आप जो लोग बहुत ज्यादा सुस्त होते हैं या जो ज्यादा एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उनकी बोन ना बहुत ज्यादा धीरे धीरे अगले 15-20 सालों में बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाएंगी, ब्रिटल का मतलब है टूटने वाली, ठीक है ना, उसको हम एक कंडीशन बोलेंगे, मैं आपको आगे कराऊंगा अभी जब मैं बायोलॉजी करवाऊंगा, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां जिसको बोलते हैं खुर जाती हैं, जैसे अगर आप अब गिरोगे ना, अगर आप हाथ के बल गिरोगे अभी या मुंह के बल गिरोगे या पीठ के बल गिरोगे तो आपको चोट नहीं लगती, आपकी हड्डी नहीं टूटती, है ना, अगर यही आप बूढ़े हो जाओगे से 60-70 इयर्स तो नॉर्मल टेंडेंसी है बॉडी की कि वो हड्डियां बहुत ज्यादा सख्त नहीं रहती है, वो ज्यादा मुलायम हो जाती हैं, ठीक है, तो जैसे अगर आप गिरोगे, फॉल गिरोगे तो आपने देखा होगा बुजुर्गों का कई बार हाथ ही टूट जाता है या चूल्हा टूट जाता है, चूल्हे का मतलब पेल्विस बोन, ठीक है ना, तो ये सारा कुछ तब होता है, तो दिस इज बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है,
आर्थराइटिस होने के कारण। यस, आर्थराइटिस से बिल्कुल डिफरेंट थिंग। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, आर्थराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, ठीक ना, उसके कारण नहीं टूटता। आर्थराइटिस के कारण जूटता नहीं, आर्थराइटिस के कारण खुरती है बोन्स आपकी, ठीक है। चलो, तो ये सारा कुछ बोन, अब हमारा अगर माइक्रो ग्रेविटी है तो उसके ऊपर हमारा वेट लॉस होगा, क्या क्या इफेक्ट होगा, या कौन सी रेडिएशन का हमें सामना करना पड़ेगा, तो वो सारा रिसर्च जो है वो हेल्थ के ऊपर है, ठीक है ना। हेल्थ की ऊपर इसके बड़े बेनिफिट हैं, हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। यस, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन बोन्स, यस, ठीक है जी। आगे चलते हैं, और कौन कौन सी हमारे पास बेनिफिट्स हैं। ईज ऑफ लिविंग, यस, स्पेस टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे जगह पे आपको क्या कहते हैं, इसका बेनिफिट हुआ। देखो, अभी एक शिवम सेट्टी ने क्वेश्चन भी पूछा था और मैं उसको आगे जाके आंसर भी करूंगा, लेकिन बेसिकली अगर आपके पास मैन होगा, ठीक है ना, तो मैन अगर आप भाई वी प्रेफर ए ट्रेन्ड पायलट, ठीक है ना, कि पायलट को अगर आप जहाज में चलाओ तो वो अच्छी तरह से, मतलब एक होती है ना कि भाई, एक तो अब यूएसए के पास क्या कहते हैं, हमारे पास ड्रोन्स आ गए, याद है, वो ऊपर से उनको ऊपर उनके बीच में कोई नहीं बैठा होता, वो अनमैन्ड होते हैं, और ऊपर से आपको ऊपर सर्वेलेंस भी कर रहे होते हैं, और वो सारा का सारा वो भी कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है ना, अटैक भी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास डिस्क्रेशन नहीं होता, यानी कि उनके पास सराउंडिंग की अवेयरनेस नहीं होती। ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल बताऊंगा, 1971 की जंग में 4 दिसंबर की बात है, जब पाकिस्तान ने रात को अटैक किया था श्रीनगर एयरबेस पे, ठीक है, तो वहां पे एक फ्लाइट कमांडर, एक सरदार जी थे, आई हैव जस्ट उसका नाम स्किप कर गया मेरे मन से, शेखो, फ्लाइट कमांडर शेखो, ठीक है ना, उन बंदों के पास कुछ भी नहीं था लिटरली। उनके अगर आप देखो ना कि 20-25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हो आपके पास, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू की टेक्नोलॉजी, वो जहाज थे हमारे पास, और अमेरिका ने बिल्कुल नए नए जहाज दिए थे पाकिस्तान को, ठीक है, और इतने आफरे हुए थे पाकिस्तान वाले, तो ये तो मच्छर है, हम तो ऐसे मच्छर को मारने जा रहे हैं, ये बोला था उन्होंने पाकिस्तान वालों ने। तो उन बंदों का हौसला देखो, सिर्फ 2 बंदे थे, एंड दे डिफाइड द अटैक ऑफ 15 बार अटैक को उन्होंने विफल किया, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी, लेकिन उससे पहले उन्होंने इतना ज्यादा भारी जो है, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास, सब कुछ ऑटोमेटिक ही था, लिटरली ऑटोमेटिक था, इन्होंने टूटी टेक्नोलॉजी से भी इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया कि उन्होंने दोबारा श्रीनगर के ऊपर अटैक नहीं किया, समझ रहे हो, क्यों, 3-4 जहाज गिरा दिए उनके, और बहुत ज्यादा नुकसान होता है बेटा अगर एक जहाज भी गिरता तो, इतने जहाज गिरा दिए, तो मैन बिहाइंड द मशीन बहुत ज्यादा मैटर करता है, यही इंडियन एयरफोर्स की कंसेप्ट है, और आज तक वो इसी मतलब अपने गोल को रख के आगे सिलेक्शन करते हैं। वो देखते हैं कि अगर हम बंदे को ले रहे हैं तो उसके मतलब हम उस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। अगर एक इंडियन एयर पायलट होता तभी तो इतना रोला पड़ा था, अभी जो 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 हमारा पायलट वहां पर पकड़ा गया था, और उसको हम इतना ज्यादा डिप्लोमेटिक चैनल से हम उसको लेके आए थे वापस, ठीक है ना, तो अगर उसके पीछे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है बेटा एक कंट्री की, क्योंकि हमने उसको बहुत कुछ सिखाया होता है, तो वी या अभिनंदन, तो वी ऑलवेज प्रेफर कि भाई एक मैन ट्रेन मैन होगा, वो ज्यादा अच्छे से फोटो खींच पाएगा, ज्यादा अच्छे से रिसोर्स को यूज कर पाएगा, तो ईज ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, ठीक है ना। ईज ऑफ लिविंग कैसे, इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकती है, रेलवेज में हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स में हो सकती है, ट्रांसपोर्ट में हो सकती है, वाटर प्यूरिफिकेशन में, सीवेज में। अब आप बोलो सर वाटर प्यूरिफिकेशन क्या कैसे होगा, क्योंकि जब आप क्या कहते हैं जाएंगे ऊपर, ठीक है ना, तो पानी तो कहीं से होगा नहीं, पानी को अलग से लेके जाएंगे नहीं, थोड़ा पानी होगा, तो वही पानी को कैसे रिसाइकल करना है, कैसे उसको लेना है, कैसे उसको प्यूरिफाई करना है दोबारा उसी को। एंड इवन यू शुड नो कि जो ये क्या कहते हैं आपके जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं नासा में खास करके, दे ड्रिंक देयर ओन यूरिन, प्यूरिफाइड यूरिन, क्योंकि नथिंग, जो वहां पे वेस्ट कुछ नहीं जाता बेटा, दे ड्रिंक देयर ओन यूरिन, बस वो प्यूरिफाई होके आता है, पानी दोबारा से वही जाता है और दोबारा से वही होके आता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज हैं जो डेवलप होती हैं, ठीक है ना, तो वाटर प्यूरिफिकेशन, सीवेज को रिसाइकल कैसे किया जा सकता है, और किसी ने अगर वो मूवी देखी हो क्या कहते हैं, मार्स पे एक मूवी आई थी जिसके ऊपर, जिसपे वो जाता है मार्शियन, यस संजना, तो वो अपनी जो सीवेज है उस सीवेज को ही
क्या कहते हैं कन्वर्ट करता है, बायो फर्टिलाइजर बनाता है उसका, और अंदर ही आलू उगाता है मार्शियन पे, मार्शियन सरफेस पे। बेटा पानी का यही तो है ना कि देखो, पानी आप सोचते हो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होता है, इन वाटर वेपर फॉर्म में भी होता है। अगर आपने अभी उमस का टाइम देखा था, खास करके पंजाब में नॉर्थ इंडियन साइड में, तो बहुत ज्यादा उमस होती थी आजकल, है ना। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जितना ज्यादा मैं एसी चलाता था ना, उतना ज्यादा एक ड्रमी भर जाती थी पूरी पानी की, इतना ज्यादा, मतलब आप मानो कि इतना ज्यादा वाटर वेपर होते हैं। तो वाटर वेपर का कहाँ से मतलब ठंडा कैसे होता है, क्योंकि अंदर से सारा सारा वाटर ये ऑब्जॉर्ब कर लेती है, वो पानी जो नीचे एसी के गिरता रहता है वो आपका यही होता है, क्या कहते हैं, जो वाटर वेपर अंदर होती है उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है, तभी यहाँ पे ठंडक पहुंचती है आपको कमरे में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बेटा? तो बहुत ज्यादा पानी होता है, बट उसको चैनलाइज करना। इसमें एक और चीज है, जैसे मैंने आपको कल भी बताई थी, सिलिका एरोजल इसरो ने डेवलप किया है, ये स्पेस, इसे स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए किया सिर्फ, ठीक है ना। और इसका बहुत ज्यादा, क्योंकि ये स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए की थी, लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज हम एग्रीकल्चर में भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो टेक्नोलॉजी हमने वहां पे डिवाइन की थी, उसका हम बहुत ज्यादा यूज अपनी डे टू डे लाइफ में भी कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट तो डेफिनेटली आएगी, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसरो हैज एस्टिमेटेड गगनयान को बनाने के लिए कम से कम 15,000 लोगों को और रोजगार मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है नेशन स्प्राइड। नेशन स्प्राइड का क्या मतलब है कि गगन विल मेक इंडिया फोर्थ नेशन, ओनली फोर्थ नेशन टू लॉन्च ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ठीक है। तो वी हैव चाइना, वी हैव क्या कहते हैं रशिया, वी हैव यूएसए, एंड देन देयर विल बी इंडिया, देयर विल बी ओनली फोर नेशंस। चलिए जी, तो चैलेंजेस क्या है, अगर बेनिफिट है तो चैलेंजेस भी होंगे। तो बायोसाइंस हमारा एक ऐसा, एक मतलब एवेन्यू है, एक ऐसी साइंसेस है जिसपे हमारे को बहुत वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। जैसे कि किस तरह से क्या इफेक्ट होगा एक अगर हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, तो आपको पता है कि आप एटमोसफियर पे रह रहे हो, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा एटमोसफियर का एक वो है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो बाहर से बहुत सारी रेडिएशंस आती है, मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, ठीक है। मैं बताता हूँ एक बार ज्योति का, तो वो जो क्या कहते हैं सारी की सारी रेडिएशंस है, जैसे जैसे आप स्पेस में जाओगे तो सारी रेडिएशंस आप अंदर लेके जाओगे, ठीक है ना। तो एक जो एस्ट्रोनॉट को कितनी ज्यादा झेलनी पड़ेगी ये, क्या कहते हैं क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उससे कैसे बचना है, उससे क्या इफेक्ट होगा उसके ऊपर, क्या उससे कैंसर तो नहीं हो सकता। तो ये बहुत ज्यादा अभी काम है, हमें रिसर्च करने की जरूरत है, ठीक है ना। अभी हमने सिर्फ बेबी स्टेप्स लिए हैं, अभी शुरू के एक दो स्टेप ही लिए हैं हमने, बहुत पौड़ियां चढ़नी, 15-16 चौड़ियां पौड़ियां चढ़नी अभी बाकी है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज कॉस्ट, डेफिनेटली कॉस्ट इसकी ज्यादा है, लेकिन ये भी याद रखो कि 1970-80 के दशक में जब इसरो ने पहली बार लॉन्च किए थे अपने सैटेलाइट्स, तब यही सोचा जाता था कि इसकी क्या जरूरत है, इसरो को पैसे देने की क्या जरूरत है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये एफडी की तरह निकली है इंडिया गवर्नमेंट के लिए, और अब ये इंडिया में इतना नाम है कि अब हम बाहर से पैसे लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं टाइम पे आपको यू हैव टू बेनिफिट कॉस्ट, यू हैव टू बैलेंस कॉस्ट, ऑन द अदर हैंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। कॉस्ट डेफिनेटली आएगी, बट आपको ये भी तो देखना है कि उसका बेनिफिट ऑलवेज आउटवे द कॉस्ट, ठीक है जी। ये दोनों बराबर चलने चाहिए। ट्रेनिंग, हमेशा ट्रेनिंग, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंडिया के पास अपनी कोई स्पेस एजेंसी नहीं थी, सॉरी ट्रेन करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को, तो उन्होंने अब बनाई है 2019 के जनवरी में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इंडिया में, ठीक है, इसरो ने बनाया है। लेकिन अभी वो बिल्कुल बच्चा है, मतलब अभी 1-2 साल ही उसको स्टार्ट हुए, तो अभी बहुत कुछ गेन करना बाकी है। सोचो हम कहाँ से हेल्प ले रहे हैं, यूएसएसआर से, ठीक है, सॉरी रशिया से ले रहे हैं हम हेल्प, ताकि हमें पता चले कि क्या क्या उन्होंने 50-60 सालों से ही काम करते आ रहे हैं, उनको बहुत, उनकी तो महारत है बेटा ये, ठीक है ना। हमें अभी बिल्कुल 1-2 साल ही हुआ है, तो हमें बिल्कुल आप एक्सपीरियंस लेने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जाते ही हो, ठीक है। अब आप हमारे पास आए हो, सोफिया आईएएस के पास आए हो, इसीलिए आए हो ताकि आप हमारे जो इतने क्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस है, मेरे पास 10 साल का है, दीपांशु सर के साथ काफी साल का है, नितिन सर के पास काफी सालों का है, तो आप हमारा एक्सपीरियंस लेने आए हो। बेसिकली पढ़ाई तो चलती रहेगी, पढ़ाई तो आपको कोई और भी पढ़ा लेगा, आप खुद भी पढ़ सकते हो, बट वी हैव एक्सपीरियंस, वी कैन गेट। और यही मैंने आपको एक्सपीरियंस से, जब मैंने आपका अभी फर्स्ट क्लास ली थी मंडे को,
तो मैंने आपको बताया था कि जो यूपीएससी के क्वेश्चन हाउ यू कैन प्रिडिक्ट देम, तो वो मैंने प्रिडिक्शन कर दी थी जनवरी फरवरी में। मैंने आपको वो करंट अफेयर्स भी दिखाए हुए हैं कि भाई ये क्वेश्चन कर लो, ये आएंगे, और वो आ गया। सारे नहीं आ सकते बेटा, क्योंकि सारे यूपीएससी एक ही थोड़ा सब्जेक्ट चेक कर रही है। तो मेरे पास अगर 18-20 सॉरी 30-35 क्वेश्चन मैंने अगर आपको करवाए थे, उसमें से अगर 15-20 भी आ जाए, तो आपका तो 40 नंबर का फर्क पड़ जाएगा बेटा। वो कभी नहीं पूरा हो सकता किसी चीज से भी, ठीक है? तो दैट इज ए वेरी गुड थिंग कि आप प्रिडिक्ट करो। सेंटर नेम कौन सा सेंटर नेम? अच्छा, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ये करवाया तो था अभी, ठीक है? HSFC, हाँ, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कंट्रोल सेंटर, ठीक है जी। और रिबिका जी बोल रहे हैं पिछली स्लाइड करें रिपीट सर, ये देखो कर लो, खींच लो जिसने खींचनी है फोटो, ठीक है? आगे चलते हैं हम। चलिए, और क्या हो सकता है? R&D का और न्यू टैक्स, ये भी करनी बहुत बात है। R&D होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हमने 2019 में तो अभी बनाना शुरू किया है, या 2000, अभी हमें बहुत कम टाइम हुआ ये सारा चीजों को करते हुए देखने हुए, ठीक है ना? तो बड़ी अच्छी नई चीजें होती हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि स्पेस क्राफ्ट में अंदर पूरी की पूरी कवरिंग की जाती है, ताकि कोई बाहर से रेडिएशन अंदर ना आ पाए, ठीक है? या कोई ऐसा हिस्सा ना लाए जहां से लीक हो जाए। अगर इतना भी एक भी पेज कम जुड़ गया ना बेटा, तो वो पूरे का पूरा विस्फोट कर देगा, ठीक है ना? तो ऐसा ना हो, तो हाई टेम्परेचर को भी विदस्टैंड कर पाए, उनके लिए टाइल्स लगानी चाहिए। यहाँ पे ये देखो, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये रेड रेड सा हो रहा है, जल रहा है ना? तो यहाँ पे टाइल लगाई जाती है, स्पेशली इतनी टाइल लगाई जाती है जो 5,000 से 6,000 डिग्री सेल्सियस की हीट को अब्सॉर्ब कर पाए, ठीक है ना? अगर अगर ये नहीं होती तो ये जल जाता पूरा का पूरा। तो ये सारों चीजों पे बहुत ज्यादा काम करना हमारा बाकी है अभी। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन न्यू टेक्नोलॉजी, देयर इज ए नीड फॉर मोर रिसर्च, नीड फॉर मोर रिसर्च, मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो ये आप बोल सकते हो अगर आपको इतना ज्यादा नहीं भी लिखना आता तो। नाउ मूविंग फर्दर अहेड, ये हो गया, ये भी हो गया। तो ये होता है आपका वे अहेड। वे अहेड यानी कि कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या आता है? इट इज ट्रू दैट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज नो लॉन्गर मेंट फॉर ए नेशनल प्रेस्टीज। यानी कि क्या कहने का मतलब है, जब यूएसए और रशिया के साथ में जब 1960-70 के दशक में एक स्पेस रेस चली थी, स्पेस रेस की कौन सा बंदा है, कौन सा ये देश होगा जो पहले लैंड कर पाएगा अपने बंदे को मून पे, उस टाइम पे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का गठन हुआ। 1957 में देयर वाज द फर्स्ट, क्योंकि रशिया इस पे काफी आगे चल रहा था शुरू से ही। 1957 में उन्होंने सबसे पहला सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट उन्होंने भेजा स्पेस में, उसका नाम था स्पुटनिक 1, SUPTNIK, स्पुटनिक 1, ठीक है ना? उसी के 2-3 महीने के बाद ही नासा का गठन हुआ यूएसए में। उन्होंने पूरा का पूरा एक नासा जो है उसका गठन किया गया, ताकि वो स्पेस टेक्नोलॉजी बना सकें और उनके साथ चल पाए। तो ये तब का बात था, लेकिन अब उनके पास सोचो ये लड़ाई नहीं है, उनके पास लड़ाई नहीं है, उनके पास ये नहीं है कि नेशनल प्रेस्टीज की बात है, हमारी 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 प्रेस्टीज की बात नहीं है। प्रेस्टीज का मतलब होता है प्रतिष्ठा, उसकी बात नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि अब वही देखो, वही रशिया और वही यूएसए इकट्ठे रह रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है ना? वहां पे उनके एस्ट्रोनॉट्स इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है? तो अब प्रतिष्ठा की बात नहीं है, अब बात है कि भाई आगे टेक्नोलॉजिकली आपको एक्सप्लॉइट कैसे करना है स्पेस को। सो इट इज ट्रू दैट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज नो लॉन्गर मैन टू फॉर नेशनल प्राइज एज इट वॉज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर हुई थी, कोल्ड वॉर इज नॉट एग्जैक्टली अ वॉर, बट यूएसए और रशिया के टाइम, रशिया जब 1960 के दशक में जब इनके बीच में बड़ी तनाव होता था, तो उसको कोल्ड वॉर का नाम दिया जाता है। However, the project would level up our space industry by forcing it to meet challenges beyond the low-cost launch payload in the which USA has ISRO has already excelled. इसका मतलब ये है देखो कि जो कहते हैं जी, अब इसरो ने ऑलरेडी डेवलप कर चुकी है टेक्नोलॉजी फॉर सैटेलाइट लॉन्च और लो कॉस्ट। आपको बताया था हमने मंगलयान भेजा सिर्फ 400 करोड़ रुपए में, हम चंद्रयान 3 भेजने की डेट भी आ चुकी है, आई थिंक दे विल बी डन बाय 2025, उससे पहले शायद चंद्रयान 3 भी भेज रहे हैं हम, वो सिर्फ 600 करोड़ में भेज रहे हैं। वही एक डुप्लीकेट मिशन होगा जो हम चंद्रयान 2 का होगा, तो वो सारा कुछ हम भेज रहे हैं,
विद लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी। तो कहते हैं अब इसरो को इससे बाहर को ग्रो करना है, ठीक है ना, ये हमने पा लिया, इस पे हमने एक्सेलेंस कर लिया, इट्स ओके। अब हमें इसरो को फोर्स करना है कि वो नए चैलेंजेस को मीट करे, नए तरीके के जो नए स्पेस के टेक्नोलॉजीज हैं उनको भेजे। ठीक है जी, एक मिनट बेटा रुकना, एक मिनट। क्लास है आपकी कोई हिस्ट्री की इसके बाद? बताओ आ गया आपको, आ गया मैसेज? नहीं आया। चलो ठीक है, ठीक है, कर रहे थे इसकी बात भी। चलो ह्यूमन जो इसरो का हमने बात कर रहे थे अभी, चलो बस छोड़ दो छोड़ दो, होगी तो आपको बड़ा लग जाएगा। ठीक है, तो इसरो जो है उसको अब नए चैलेंजेस देने की जरूरत है हमें, ठीक है, ताकि वो और टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए। मोर ओवर सर्टेन मिशन कुड बी बेटर परफॉर्म बाय ह्यूमंस दैट रोबोट्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, ये लाइन बताई थी मैंने कि बेटा हम आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी तो ठीक है, हम डिफरेंट चीजों को रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे भी अच्छी चीज हम तब कर सकते हैं बिकॉज अगर हम हमें पता हो कहाँ पे फोटो खींचनी है, देखो, ठीक है, या कहाँ पे आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, तो वो ह्यूमंस ज्यादा कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि वी आर सेंटियंट बींग्स। एंड सेंटियंट बींग्स का मतलब होता है वी आर इंटेलिजेंट बींग्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी उस लेवल की नहीं पहुंची कि हम ये सारा कुछ ये काम मशीन से करवा सके। एंड एट द एंड तो आपको नीचे से ऑर्डर देना पड़ता है कि भाई यहाँ पे देखो, वहां पे देखो, है ना, ये वाला चीज करो, वो वाला चीज करो। तो हमेशा there are certain missions that could be better performed by the human beings rather than robots. Also, the technical knowledge created in the process would be of much use later in the ways that may not be obvious today. अब ये आगे जाने की बात कर रहा हूं मैं कि भाई अभी हम जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज उनसे गेन करेंगे इस चीजों को करने से, इन मिशंस के ऊपर या स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है, तो उससे हमें आगे जाके बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उन टाइम पे, उस टाइम पे भी जो उस वे में भी जहां पे हमने अभी सोचा भी नहीं है। जैसे आप किसने सोचा होगा जब 1970 में 226 एमपी का एक चिप लेके, इतना बड़ी चिप लेके अपोलो मिशन में नील आर्मस्ट्रांग मून पे लैंड किया था, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन अगले 10 सालों में, 15 सालों में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ और उसके कारणवश क्या हुआ, आपके पास मोबाइल आया, सैटेलाइट फोन आया, पहले उस सीडीएमए वाले फोन आए, फिर उसके बड़े वाले फोन आए, स्क्रीन फोन वाले आए, फिर स्मार्टफोन आए। तो ये उस टाइम नहीं सोचा था किसी ने 1970 के दशक में कि इनका ऐसे यूज होगा भाई। लेकिन ये इसीलिए बोला जाता कि जो टेक्नोलॉजी होती है ये, इसका यूज जब आप डिस्कवर करते हो उसके बाद उसका डिफरेंट यूजेस भी देखते हो आप कि ये यहाँ पे भी यूज हो सकता है, ये यहाँ पे भी यूज हो सकता है, ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे आगे जाके। तो ये इसका एक फॉरवर्ड, एक अच्छे से कंक्लूजन है। आर यू गेटिंग दिस वन? कंक्लूजन विद ए वे अहेड, आगे के रास्ते के लिए, मैं आगे रास्ता ही बता रहा हूं कि इसको वो क्यों जरूरी है ये सब कुछ काम करना, ठीक है, ओके। अब जब आपने इतना सब कुछ काम कर लिया है तो आपने जब बोलो सी सर जी नोट्स कैसे बनाने हैं, तो बेटा जी नोट्स बनाने हैं ऐसे, ठीक है, बीच में लिखा हुआ आपने गगनयान मिशन, ठीक है, गगनयान मिशन के क्यों न्यूज में था, ठीक है, क्योंकि इसरो ने लैंड किया है अभी GSAT-29, वो क्यों न्यूज में था, इसके बाद ये देखो, ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ, ठीक है, उसके बाद देखो की फीचर्स क्या है कि 2022 से पहले पहले हमें मंगलयान पे गगनयान के थ्रू बंदे कहाँ भेजने हैं, स्पेस में भेजने हैं, गगन में भेजने हैं, ठीक है, नॉट ऑन मून, ठीक है, स्पेस में भेजने हैं। इसके बाद
कितने मेंबर होंगे, 3 मेंबर क्रू होएगा, क्या होगा, ये देखो सारा लिखा हुआ है। इस तरह से नोट्स बनाने हैं। इनका फायदा क्या है, अब देखो नीचे ऑब्जेक्टिव भी लिखे हैं। ये मैंने ये ऑब्जेक्टिव कहाँ से कराए थे, ये देखो ये जो ऑब्जेक्टिव है ये लिखे हुए हैं ना ऑब्जेक्टिव, एक मिनट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन, ठीक है। इसको मैंने जैसे एक प्रेसी फॉर्म में छोटा सा करके यहाँ पे लिख लिया, 3 ऑब्जेक्टिव हैं ये देखो, नेशनल प्रोजेक्ट है, ठीक है, और है एनहांसिंग नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथ, ठीक है, इंस्पायरिंग यूथ, ठीक है, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, एनहांसिंग इंटरनेशनल कोलेबोरेशन, ये देखो इस तरह से बना दिया मैंने। उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, उसके चैलेंजेस क्या होंगे, सारा लिख दिया। लास्ट में आप आगे एक तरह से ऐसे बना सकते हो वे फॉरवर्ड, बेटा बहुत सारे आते हैं, आप नेट पे चेक कर लो माइंड मैप्स फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना, ठीक है, ये इस तरह से भी बना सकते हो आप। चले आगे, चलिए जी, फिर आज हम एक और काम करते हैं। ये गगनयान मिशंस के बारे में था इतना सब कुछ। नाउ लेट, अब देखो कितने हर चीज को आपने इसमें डील किया हुआ है, ठीक है ना। नाउ लेट स्टार्ट विद लंगेरियन, सॉरी आदित्य L1 मिशन। बोर तो नहीं हुए, स्पेस में वैसे कोई बोर होने वाली चीज नहीं है। गुड, ओके हो सारे, गुड गुड गुड। तो आदित्य L1 मिशन, अब देखो ना इसको ध्यान से सुनना, आज हम सन के बारे में बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो आदित्य L1 मिशन है, और आज आपको और इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेंगी, जो आदित्य L1 मिशन है ये भारत द्वारा सन पे कौन सा मिशन है, फर्स्ट मिशन है या सेकंड मिशन है? सन के लिए फर्स्ट मिशन है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए सेकंड मिशन है, ये याद रखना है, ठीक है। बात करता हूं क्या होता हो, फर्स्ट इंडियन मिशन टू स्टडी सन, फर्स्ट इंडियन मिशन, बट सेकंड इंडियन मिशन टू स्टडी स्पेस, सेकंड इंडियन मिशन टू स्टडी स्पेस, फर्स्ट कौन सा था किसी को पता है? फर्स्ट मिशन कौन सा था? दैट वाज एस्ट्रोसैट, हम पढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन आया था 2018 में एस्ट्रोसैट के ऊपर, और ये हम पढ़ेंगे क्या क्वेश्चन आया था, ये भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एस्ट्रोसैट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट दैट क्या कहते हैं इसरो लॉन्च्ड फॉर स्टडिंग द ओरिजिन ऑफ अवर सोलर सिस्टम, कि कैसे ओरिजिन हुआ सोलर सिस्टम का, कैसे ब्लैक होल्स बनती हैं, ये सब कुछ हुआ, समझ रहे हो? चलो, तो ये कितने किलो का होगा, 1500 kg का होगा आदित्य L1 मिशन, इनटू कहां पे हो लेके जाएगा इसको, L1 लंगेरियन पॉइंट पे लेके जाएगा, कहां पे L1 है, बट दैट इज बिटवीन सन एंड अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है FG, ग्रेविटेशनल फोर्स FG, ठीक है, यहाँ पे सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल एक तरह से बैलेंस कर रहा है उसको, उसको बोलते हैं लंगेरियन पॉइंट, से हम पहले भी करके आए थे, ठीक है जी। तो इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अब इसको कभी ग्रहण नहीं लगेगा, समझ रहे हो, ये हमेशा सन को ऑब्जर्व करता दिखेगा आपको, ठीक है, और इसको कभी एक्लिप्स नहीं लग सकता है, क्योंकि इसके बीच में कभी भी मून नहीं आएगा, जब मून इसके बीच में नहीं आएगा तो ये सन के 24 घंटे सन को देख सकता है, ठीक है, इसका ये मेन फंक्शन यही है। चलें आगे, ओके, वाइल्ड गेरियन पॉइंट कंटिन्यूअसली फ्लो आपको दिखेगा विदाउट एक्लिप्स, गेटिंग? कितने पेलोड्स होंगे, पेलोड मतलब ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाएगा अपने साथ, 7 पेलोड्स लेके जाएगा, क्रोमोस्फेरिक UV और सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरे, एक मिनट बेटा रुकना, थोड़ा इशू आ रहा है, एक मिनट रुकना,
यस, इसका मास 1500 kg है। यस, कंट्री कैसे होगा बेटा, ये तो सैटेलाइट है बिना, ये सैटेलाइट है, इसको ग्रह नहीं लगेगा अभी, ठीक है, मतलब इसके आगे कोई भी प्लैनेट नहीं आएगा या मून नहीं आएगा, ठीक है। द सैटेलाइट प्रोवाइड्स ऑब्जर्वेशन ऑफ सन्स फोटोस्फियर, ये फोटोस्फियर आता है, क्रोमोस्फियर क्या होता है और क्रोना ये क्या होता है, ये आज हम पढ़ेंगे, तभी मैं बता रहा हूं कि सन को पढ़ना क्यों जरूरी है हमारे लिए। लेट अस सी, पहले सारी चीजें होती क्या है, फिर मैं आपको आदित्य L1 के बारे में और बताऊंगा, जैसे कि क्या होता है ये सारी चीजें, एस्ट्रोसैट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो लेट सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सन, उसके बाद में आगे चलते हैं, ठीक है। तो सन जो हमारा है, जैसे अर्थ है, अर्थ का भी इस तरह से कोर होती है, फिर हमारे पास मेंटल होता है, फिर हमारे पास जो अपर क्रस्ट होती है, ठीक है ना, उसी तरह से हमारे पास सन के भी इस तरह से पॉइंट होते हैं। जैसे अंदर है कोर, बहुत ज्यादा हॉट है कोर, यहाँ पे टेम्परेचर है 15 लाख केल्विन या 15 लाख डिग्री सेल्सियस, आई थिंक इट्स नॉट 15 लाख, इट्स 15 लाख डिग्री केल्विन आई थिंक, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर है 15 लाख, ठीक है। जैसे जैसे अब जोन इसके अंदर कोर होएगी, सबसे पहले कोर होएगी, लेट मी ड्रॉ इट हेयर फर्स्ट, तो सबसे अंदर है सन के अंदर जो कोर है, जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस चल रहे हैं। उसके बाद इसकी एक और लेयर आएगी, उसको बोलते हैं रेडिएशन जोन, लेट मी डिस्क्राइब इट, ठीक है, रेडिएशन जोन, ठीक है। यार मेरे को सर्कल ही नहीं बनाना आता, बताओ सर्कल कैसे बनाए यार, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थर्ड वाली आती है कंडक्टिव जोन, कंडक्शन, कंडक्शन पता था ना हमने पढ़ी है, अब ये मान ले लो कि ये गोल है बस, इससे ज्यादा नहीं ड्रा कर पाता है। ठीक है, मान लो कि ये गोल है, मान लिया, ठीक है। तो उसके बाद एक और लेयर आएगी हमारे पास, सन की ही लेयर की बात कर रहे हैं, जिसका ये ग्रीन, इसके ऊपर थोड़ी सी छोटी छोटी लेयर है इसके ऊपर, जैसे हमारे अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फियर होता है ना, उसी तरह यहाँ पे है फोटोस्फियर, यहाँ पे आप सन की रोशनी आती है, ग्रीन वाली है फोटोस्फियर। अब इसके ऊपर एक और लेयर है, ठीक है, ये है हमारा जैसे स्ट्रेटोस्फीयर होती है ना, वैसे एक और लेयर है सन के ऊपर, सन की सतह तो ये येलो पे खत्म हो गई है, ठीक है। अब हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये काफी चौड़ी होती है और इसका नाम होता है क्रोमोस्फीयर, मैं अभी नोट करता हूं इसका नाम क्या है, क्रोमोस्फीयर, ठीक है। और सबसे बाद में क्या आता है हमारे पास, लेट मी शो इट विद अ डिफरेंट कलर, क्रोना, ये ऐसे ही होता है, मतलब बहुत ज्यादा बाहर तक होता है, ये होता है कोरोना, लास्ट वाला होता है कोरोना, ठीक है। ग्रीन वाला जो है उसका नाम क्या है, फोटोस्फीयर, क्या नाम है, फोटोस्फीयर। ये येलो वाला है उसका क्या नाम है, कोरोना, वो दो बीमारी के साथ मत कंफ्यूज करो, ठीक है, फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर, ये है कंडक्शन कन्वेक्शन जोन, कन्वेक्शन जोन, ठीक है। रेड वाली है रेडिएशन जोन, ठीक है, और ये है ग्रीन वाली अंदर से फिर क्या है हमारे पास, कोर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट बेटा, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। नो 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 बेटा, दैट्स नॉट यूवी रेडिएशन, ठीक है बेटा, होता है सब होता है, फोटोस्फीयर पे जो हमें दिखती है ना लाइट, वो प्रोड्यूस होती है। आवाज नहीं आ रही, ओके चलिए अब हम करते हैं थोड़ा सा, तो ये देखो आ रही है, गुड गुड गुड।
अगर आपको दिख रहा है तो ये अंदर वाला है कोर, उसके बाद आती रेडिएशन जोन, और उसके बाद आती कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन के ऊपर होता है हमारे पास जो ऊपर वाली सतह, जो अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, अगर हम सन पे ऊपर किसी सतह के ऊपर बैठेंगे, ठीक है ना, तो वो वाला होगा फोटोस्फीयर। क्या होगा? फोटोस्फीयर। उसके ऊपर छोटी सी लेयर है, उसका नाम है क्रोमोस्फीयर। और ये जो आपको ये दिख रहा है ऐसे करके, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? कोरोना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कोरोना की देखा किसी ने, कोरोना कैसे होता? लेट मी शो इन अ डिफरेंट वे। तो सबसे पहले क्या होगा, ये अंदर वाली है कोर, कोर से हीट रेडिएट होएगी। हमने पढ़ा था जब थर्मोडायनेमिक्स, तब मैंने आपको तीन चीजें कराई थी जहां से हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है, कन्वेक्शन, कंडक्शन। कंडक्शन होती है सॉलिड्स में, कन्वेक्शन होती है लिक्विड और गैसेस में, आपको बताया था बेटा। ये लेयर है सन की, सन की कोरोना इज द आउटर लेयर। मैं आपको एक फोटो बताता हूं, आपको दिखाता हूं एक मिनट रुको। और एक होती है रेडिएशन, पहले ये खत्म करने दो, फिर मैं बताता हूँ रेडिएशन। इनमें से तीनों में से किसको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता, ये बताओ। गुड गुड। तो रेडिएशन एक ऐसी चीज है जिसको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। तो ये देखो, अंदर से जब कोर से अगर बाहर की तरफ लेके आ रही है जो चीज, उसका नाम है रेडिएशन। तो ये सारी की सारी रेडिएशन जोन है अंदर तक, ठीक है बेटा। मेरी बात तो सुन लो पहले। अभी क्वेश्चन के पीछे क्यों जा रहे हो? आपने क्वेश्चन क्वेश्चन के लिए पहले आपको बेसिक्स तो पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि कोरोना क्या है, तो आप तो कोरोना इसी को कंफ्यूज कर दोगे जो हमारे यहाँ पे कोरोना चल रहा है। तो आपको पहले लेयर्स के बारे में तो पता होना चाहिए, व्हाट इज कोरोना, व्हाट इज कंसेप्ट, समझ लो पहले। यस वेरी गुड। तो कंसेप्ट समझने की जरूरत पहले होती है बेटा। तो हमारे पास जो ये आउटर लेयर है, जैसे अर्थ की आउटर लेयर होती है, उसी तरह है एक और लेयर, उसका नाम है कंडक्शन। कंडक्शन मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाती है ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इस जोन में हीट कैसे ट्रांसफर होती है? कंडक्शन के थ्रू। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कंडक्शन के थ्रू, यानी कि ये जो रेडिएशन से हीट अंदर से बाहर को निकली है, वो ऊपर की तरफ कैसे जाए? नॉट कंडक्शन, ये कंडक्शन लिखा मैंने, कन्वेक्शन जोन। सॉरी सॉरी सॉरी, कन्वेक्शन जोन, कन्वेक्शन जोन, दिस इज कन्वेक्शन। क्योंकि यहाँ पे सॉलिड कुछ नहीं होता, सतह इतनी ज्यादा गर्म है सूरज की, वहां पे तो कोई चीज हो ही नहीं सकती सॉलिड, ठीक है ना। तो ये जो चीज है, ये जो लावा नहीं होता, जैसे फ्लूइड होता है, उसी तरह का ये ऊपर जाती है हीट, इसी तरह से ऊपर जाती है हीट। अब ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ऊपर वाला, इसका नाम है फोटोस्फीयर। ये दिख रहा है, ये वाला फोटोस्फीयर है जहां पे सन स्पॉट्स बनती है। नाम लिख लो सन स्पॉट्स, आगे जाके आपको कराऊंगा मैं, ठीक है। उसके ऊपर है, ऊपर वाली लेयर का नाम है क्रोमोस्फीयर, और सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है कोरोना। कोरोना अगर को अगर अच्छे से देखना होगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। जब सूर्य ग्रहण का पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है ना, आपको ये सूर्य ग्रहण लगा, ये मून आ गया हमारे आगे, ठीक है ना, ये मून है। जब सूर्य को कवर कर लेता प्रॉपर, तो ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, अब लगा पता क्या होता है? कोरोना। यस वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग दिस? और लग गया किसी को पता कि नहीं? ये है कोरोना। गुड, शुक्र है, चलो आगे चलो। तो अगर मैं क्रूडली एक डायग्राम बनाऊं, तो इस तरह से बना सकता हूं। ये वाला कौन सा होगा ये बताओ, व्हाट इज दिस? सी क्या? कोरोना कोर, कोर कहां लिखी है? देखो ये इंजन है जहां पे सारे के सारे रिएक्शन चल रहे हैं। कौन से रिएक्शन चल रहे हैं यहाँ पे? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो दो छोटे न्यूक्लियर मिलके बड़ी चीज बना रहे हैं। अच्छा, जो यहां से एनर्जी बन रही है वो बाहर कैसे जा रही है? ये वाली जोन कौन सी है? रेड रेडिएशन जोन, रेडिएशन जोन, ठीक है। तो ये कौन सी है? रेडिएशन जोन। लग गई समझ? थर्ड है इसके ऊपर वाली लेयर, यहां से रेडिएशन से ऊपर सतह की तरफ कैसे जा रही है? थ्रू
कंडक्शन और कन्वेक्शन, दैट इज वाई कंडक्शन यहाँ पे नहीं हो सकता बेटा, दैट इज ऑलवेज कन्वेक्शन। तो गर्म चीज ऊपर जा रही है, ऊपर से ठंडी होकर चीज नीचे आ रही है। ओके, अब जब इसकी सतह की बात करेंगे तो सतह इसकी दो चीजों में, हमारे जैसे एटमॉस्फियर है तो ट्रोपोस्फियर है, और ट्रोपोस्फियर के ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर, जैसे हमारे अर्थ में है। इसी तरह से सन के ऊपर भी दो एटमॉस्फियर है, जो बिल्कुल सतह के ऊपर है, उसका क्या नाम है बताओ? फोटोस के क्रोमो, फोटोस्फियर, ठीक है। और ये फोटोस्फियर क्या प्रोड्यूस करता है? फोटोस्फियर प्रोड्यूस करता है हमारा आउटर लेयर। आउटर लेयर से जो इसको बोलते हैं, इसमें क्या पड़ते थे आप, जो एनर्जी हम सारी की सारी सनलाइट अपने पास आती है, हमारे पास वो यहीं से आती है। बेटा एक मिनट होल्ड करना, मेरे को मैम का फोन आ रहा है, रेनू मैम का।
मैम का फोन आया था, तो आई नीड टू अटेंड दैट आल्सो. ठीक है, चलो. तो आर यू गेटिंग क्लियर अ व्यू ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ द सन? हेलो, आवाज आ रही बेटा? यस यस बेटा, वो हम करेंगे, अभी करेंगे आपने बेटा, बिल्कुल धीरे. आपको पहले सोलर का तो समझ लग जाए, फिर हम सोलर फ्लेयर्स भी करेंगे, सोलर विंड भी करेंगे, कोरोनल मास इजेक्शंस भी करेंगे. ठीक है, ये सारा कुछ करेंगे, टेंशन मत लो. अच्छा, अब ये कोरोना क्या है? कोरोना ये ऊपर वाला जो उबला हुआ सब, ये एक्चुअली पार्ट ऑफ द सन ही है, लेकिन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द सन है. आपको ये दिखाया ना कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो जो बाहर आपको हिस्सा दिखाई देता है वो होता है कोरोना. ये व्हाइट व्हाइट वाला पोर्शन जो है, ये सारा क्या है? कोरोना. आउटर एटमॉस्फेयर जो है, ठीक है, एटमॉस्फेयर ऑफ प्लाज्मा. इसमें देयर आर थ्री, आपको हमारे अर्थ पे तीन स्टेजेस में आपको मिलती हैं. आपको कोई चीज या सॉलिड दिखेगी, या लिक्विड दिखेगी, या गैसियस स्टेट में दिखेगी. चौथी स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा. ठीक है, अब प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है गैस, इतनी ज्यादा जब गर्म हो जाती है कि वो आयंस में तब्दील हो जाती है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं हॉटेड. हॉट गैस को बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा गर्म कर दो कि वो जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जैसे अगर मैं गर्म कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो सी और ओ टू में कन्वर्ट हो जाए, ओ टू नेगेटिव में. ठीक है ना, लग रहा है समझ? तो ये जो गैस है वो अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट टूट जाए, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा. ये एक स्टेट ऑफ मैटर होता है. यस, दिस इज अ स्टेट ऑफ मैटर. तो कोरोना जो है ये बहुत ज्यादा आपका है, क्या कहते हैं, इसमें प्लाज्मा के बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर होता है. इट इज एटमॉस्फेयर ऑफ प्लाज्मा ओनली. ठीक है, और कब दिखता है? जब टोटल सोलर एक्लिप्स होता है. एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण लगता है. तो ठीक है जी, लग गई समझ? और हम आगे चलते हैं. Why we need to study all these things? तो पहले हम थोड़ा सा ज्ञात लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी लेयर्स होती हैं, लेयर्स ऑफ द सन. तो कोर होती है, जहां पे कितना टेम्परेचर, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस ही है. इतना ज्यादा टेम्परेचर है, दैट इज 15 मिलियन, इज बहुत ज्यादा. ठीक है ना, तो ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक न्यूक्लियर फ्यूजन नाम का रिएक्शन चल रहा है, और इसके कारणवश, अरे भाई सोफिया जी देखो, कोरोना जो एक डिजीज है वो डिफरेंट है. अभी हम सन की बात कर रहे हैं, वहां पे डिजीज नहीं आएगी. और जो प्लाज्मा भी है वो ब्लड का भी पार्ट होता है, ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं उसको, वो डिफरेंट बात है. वो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, वो नाम है एक चीज का. ठीक है ना, ब्लड की तरह एक चीज होती है प्लाज्मा. ठीक है ना, वो उससे आप कंफ्यूज मत करो. ठीक है, अब ये देखो, ये कुछ और चीज की बात, बात कर रहे हैं. ठीक है ना, ठीक है, ये सन के अंदर का प्लाज्मा है. प्लाज्मा का मतलब होता है ये स्टेट ऑफ मैटर है. ठीक है जी, उसके बाद होता है रेडिएटिव जोन. ठीक है, तो एनर्जी जो यहाँ पे सारी की सारी, इतनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो रेडिएट होके बाहर की तरफ जाती है, बाहर वाली लेयर्स की तरफ जाती है. उसका नाम है, किस प्रोसेस के थ्रू जाती है? रेडिएशन. तो उसका नाम हमने क्या रख दिया? रेडिएशन जोन. क्या नाम रख दिया? रेडिएशन जोन. ठीक है, और इट विल टेक अराउंड 1 मिलियन ईयर्स ऑफ आर एनर्जी टू ट्रेवल आउट ऑफ द रेडिएटिव जोन. समझ रहे हो? तो अगर सन का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस आज बंद हो जाते हैं, तो कम से कम 1 मिलियन ईयर तक ये लाइट रेज आती रहेंगी हमारे पास. ठीक है, समझ रहे हो? तो ये एक टाइम पे बहुत टाइम लगता है इसको, रेडिएशन को कोर से सरफेस तक जाने के लिए, रेडिएशन के थ्रू. उसके बाद रेडिएशन के थ्रू जब ऊपर पहुंच जाती है सतह पे, तो एक नई सतह, एक नई चीज आती है, कन्वेक्शन जोन. कन्वेक्शन जोन का क्या मतलब होता है? कन्वेक्शन जोन से क्या होता है, लेट मी से. तो कन्वेक्शन जोन से जो ये नीचे से ठंडे होकर ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे होकर ठंडी होकर नीचे आती है. ठंडा ये नहीं कि भाई यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाता है, नहीं. ठंडे होने का मतलब है कि कंपेरेटिवली यहां पे टेम्परेचर, लेट मी शो यू, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा गर्म होगा. जब ये ऊपर जाएगा तो ठंडा हो जाएगा. जब ये यहां से रेडिएट होके फिर सनलाइट जो सारी की सारी हर धरती के या हर प्लैनेट्स की तरफ जाती है, हर तरफ जाती है, यहाँ पे जो ठंडा हुआ मैटर है वो दोबारा से नीचे आता है, फिर गर्म होता है, फिर ऊपर जाता है. ऐसे साइकिल चलता रहता है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट?
बेटा ये समझ लगी बात? गुड। तो अगर आप देख रहे हो तो मैं अंदर से बाहर की तरफ जब मूव करूंगा, जब मैं कोर से ऊपर जा रहा हूं यहां पे फोटोस्फियर में या क्या कहते हैं क्रोमोस्फियर में, ठीक है, तो मेरे को बताओ हीट कैसे होगी? ज्यादा कम टेम्परेचर यहां पे होगा कोर में या यहां पे सरफेस में? कहां टेम्परेचर जा रहा होगा? वेरी गुड, कोर में होगा, क्योंकि यहीं से तो सारे का सारा हीट एनर्जी पैदा हो रही है। और जैसे जैसे हम सरफेस की मूव करेंगे, अब बताओ कोरोना में कितना टेम्परेचर होगा? क्रोमोस्फियर ऊपर वाले टेम्परेचर है, यहां पे है, और कोरोना यहां पे है, किसमें ज्यादा होगा? कोरोना में ज्यादा होगा या क्रोमोस्फियर में ज्यादा होगा? टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। गुड, यही बेटा विडंबना है हमारी, ठीक है, इसी चीज को स्टडी करने के लिए हमने भेजा है, हम भेजने जा रहे हैं आदित्य L1, और इसके साथ भी हमने बहुत सारे और सोलर ऑब्जर्वर, जैसे नासा इसके स्टडी करने के लिए पोल पार्कर सोलर प्रोब भेज रहा है। ऐसा नहीं है बेटा, क्रोमोस्फीयर पे हीट नहीं जा रहा, ठंडी होएगी, समझ रहे हो? टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, कोरोना का या क्रोमोस्फीयर का, ये बताओ, क्रोमोस्फीयर का या कोरोना का? इट इज कोरोना का टेम्परेचर ज्यादा है, यही तो विडंबना है। ये देखो, हमने देखा कि कोर का टेम्परेचर कितना है, 15 लाख, बाहर का रेडिएटर का उसके बाद 2 लाख, फिर जैसे जैसे ऊपर जा रहा है कन्वेक्शन होके ऊपर जा रहा है, यानी कि बाहर वाली सतह के फोटोस्फीयर का, ये वाला फोटोस्फीयर जहां पे सनस्पॉट बनते हैं, ये देख रहा है आपको, ठीक है, यहां पे टेम्परेचर कितना आ रहा है देखो, फोटोस्फीयर में 6-8 डिग्री सेल्सियस। और जब ऊपर जा रहे हो, इसकी ऊपर वाली लेयर का क्या नाम है? क्रोमोस्फियर। यहां पे देखो, ये क्रोमोस्फियर है, टेम्परेचर कितना है? 4320 किलोमीटर डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। लेकिन कोरोना का टेम्परेचर कितना आ गया भाई, दिख रहा है आपको? लेट मी शो इन डिफरेंट कलर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसी को समझने के लिए जो नासा ने है वो पार्कर सोलर प्रोब भेजा है, ठीक है, क्योंकि देखो यहां पे हमें पता है कि प्लाज्मा बहुत ज्यादा होता है, इसी कारणवश क्या होता है कि ये ज्यादा गर्म होती है, ठीक है, कौन सी? कोरोना जो लेयर है वो ज्यादा गर्म क्यों होती है? क्योंकि उसमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर। हमारे पास धरती में सिर्फ 3 स्टेट ऑफ मैटर ही हमने देखे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। सोचो अगर चौथा भी हम आ जाए तो उसका यूज कर सकते हैं हम प्लाज्मा का? तो इसको स्टडी करना तो चाहिए पहले हमें, प्लाज्मा कैसे बनता है, क्या होता है, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है ना, फिर हम उसका यूज करेंगे। पहले इसको समझना पड़ेगा, फिर उसको ढूंढना पड़ेगा कि इसको हम अपने पास अर्थ पे कैसे बना सकते हैं प्लाज्मा। जब हम अर्थ पे बनाएंगे फिर हम उसकी एप्लीकेशन ढूंढेंगे, क्या हो सकती है एप्लीकेशन, समझ रहे हो? इसीलिए स्पेस एक्सप्लोरेशन करना जरूरी है, इसी अगर आप अब नहीं करोगे तो लेट हो जाओगे बेटा, ठीक है जी। तो दैट इज व्हाई, अब समझ ला क्या ब्रॉड पिक्चर चल रही है, तो उसको पढ़ लोगे। फोटोस्फीयर क्या होती है? रेडिएट करता है मोस्ट ऑफ द, जो सन की जो अंदर से हीट आ रही है कन्वेक्शन से, वो उसको रेडिएट करता है हर तरफ को, कौन करता है? फोटोस्फीयर को, ठीक है। फोटोस्फीयर इन एक्सट्रीमली अनइवन सरफेस, टेम्परेचर इसका ज्यादा होता है क्रोमोस्फीयर से। क्रोमोस्फीयर क्या है? फोटोस्फीयर से ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे ठंड होती है थोड़ी सी, कंपैरेटिवली ठंडा होता है टेम्परेचर, 4320 डिग्री, ठीक है जी, पर ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर, लेकिन सोचो ये इससे ऊपर और ठंडा होना चाहिए था, कोरोना ठंडी होनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसी कारणवश ये हमारे नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को नहीं पहचानता, जो हमने बनाया ना थर्मोडायनेमिक्स में, अगर एक चाय गर्म रखी है इसमें, ठीक है ना, तो एक अंदर वाला ऐसा पॉइंट होगा, जैसे आपने देखा होगा ऊपर वाली सतह, चाय आप हमेशा ऊपर से क्यों पीते हो, नीचे से क्यों नहीं पीते? कभी देखा कोई बंदा आया उसने नीचे से मोरी की और ऐसे करके पी रहा चाय, मुंह जलेगा लेकिन उसका, बताओ मेरे को, चलेगा ना? वैसे इलॉजिकल है बट साइंस देखो हर जगह पे है, हमेशा ऊपर ठंडी करके चाय पीते हो, फूंक मार के चाय पीते हो, ठीक है ना, तो फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके पीते हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट?
देर इज अ लॉजिक इन एवरीथिंग, देर इज साइंस इन एवरीथिंग. इसी तरह जब मैं आपको बायोलॉजी कराऊंगा तो आपको लगा यार बायोलॉजी है जगह पे, ठीक है, आधे डॉक्टर मैंने आपको बना देना. चलो जी, सो कोर होती है हमारे पास, फिर कन्वेक्शन सॉरी रेडिएशन जोन होती है, फिर कन्वेक्शन जोन होती है. ये जो ऊपर वाली सतह है ये सिर्फ इतनी सी सतह है ना, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. जो अंदर वाली है फोटोस्फियर, जो उसके ऊपर है क्रोमोस्फियर, जो ये ऊपर है ब्लैक ब्लैक सी दिख रही है ये है आपकी कोरोना, ठीक है. ये 13,000 माइल्स तक इसका जो है डिस्टेंस होता है कम से कम, ठीक है जी. तो आपको दिख गया आप कोरोना के बारे में. नाउ वी शुड स्टडी व्हाट इज सन स्पॉट्स. अब जो हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं ये सन स्पॉट्स हैं, ये स्पेस वेदर के फिनोमिना है. स्पेस वेदर मतलब जैसे अगर आपको मैं देखूं कि अर्थ में भूचाल आते हैं, फिर बवंडर आते हैं, वो गोल गोल घूमते नहीं, जैसे हवा गोल गोल घूमती है, कई बार वो टोरनेडो बोलते हैं. टोरनेडो को हिंदी नहीं मेरे को आती, क्या आती टोरनेडो की हिंदी? यस, 360 डिग्री कवर होता है रिबी का. किसी को पता क्या होता है भवंडर बोलते हैं उसको, चक्रवात. हाँ चक्रवात भवंडर है ना. तो वो जो गोल गोल हवा घूमती है कभी आपने देखा होगा, वो भी आते हैं. ये सारे अर्थ के फिनोमिना, अर्थ के क्लाइमेट के फिनोमिना है, ठीक है ना, अर्थ के एटमोसफियर में हो रहे हैं. उसी तरह स्पेस में भी स्पेस का वेदर होता है. स्पेस का वेदर कौन रेगुलेट करता है? सन, ठीक है. तो सन के अंदर जो हिस्से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें होती हैं, सन स्पॉट्स क्या होती हैं, फिर हम पढ़ेंगे सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, एंड हॉल व्हाट इज कोरोनल मास इजेक्शन, व्हाट इज स्पेस विंड्स, ठीक है जी. तो हम पहले पढ़ते हैं व्हाट इज सन स्पॉट्स. सन स्पॉट्स क्या होते हैं बेटा, ये जो आपको काले काले, आप इसकी फोटो खींचो, अगर आप फोटो खींचते अगर सन की तरफ देखते हो तो ये आपको सीधा नहीं दिखते हैं, ठीक है. जब इसको आप जो पार्कर पोलर प्रोब में जो एक्सरे विजन लगी है उससे देखते हो, ठीक है ना. कौन क्या ले गया था? अच्छा ठीक है. हाँ उससे देखोगे तब आपको ये ब्लैक ब्लैक से डब्बे सन की सतह के ऊपर देखेंगे. यूपीएससी इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकती है कि विद रिस्पेक्ट टू सन स्पॉट्स, ध्यान से देखो इधर, बाद में हंस लेना बेटा. विद रिस्पेक्ट टू सन स्पॉट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू. सन स्पॉट्स आर फॉर्म्ड इन द क्रोमोस्फियर, ये क्या ट्रू है बताओ? लिखा हुआ ना पढ़ लो. सनस्पॉट कहाँ पे होते हैं? ये कहाँ पे होते हैं? फोटोस्फीयर में होते हैं. तो आपको पहले फोटोस्फीयर ही नहीं पता होगा तो आपको छोड़ो बाकी चीजें, तो है ना, तो फोटोस्फीयर में होते हैं, तभी मैंने आपको फोटोस्फीयर कराई थी. फिर मैं सेकंड ऑप्शन यहां पे डालूंगा, फोटोस्फीयर हैज मोर टेम्परेचर देन कोरोना, द कोरोनल आउटर लेयर ऑफ द सन. इज इट ट्रू? नो, कोरोना हैज मोर टेम्परेचर. अब ये कहां से पता चला आपको? जब आपने उसके बारे में स्टडी किया, ठीक है. अगर मैं ये लेज ना करवाता तो डू यू हैव नो दिस पॉइंट्स? नहीं. तो यूपीएससी इसको बोलेगी विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, वन वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नीदर. तो आंसर इज नीदर, ठीक है जी. जब बैठे बैठे क्वेश्चन बनाते होते हैं इस तरह से, ठीक है जी. तो सनस्पॉट पे टेम्परेचर क्या है? इतना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. देखो ये है कहाँ पे? फोटोस्फीयर में. पर टेम्परेचर इसका फ़ारेनहाइट को अगर और करोगे ना, टेम्परेचर को कन्वर्ट करोगे, तो फ़ारेनहाइट से जब डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट करोगे तो ये टेम्परेचर अराउंड 4,000 डिग्री बन जाता है सेल्सियस, अराउंड अराउंड मोटा मोटा, ठीक है ना. यस, नॉट एग्जैक्ट बट मोटा मोटा टेम्परेचर इतना बन जाता है. करके देख लो, अराउंड 6,500 को करो कैल्विन से उसमें कन्वर्ट, सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ठीक है. लेट मी कन्वर्ट इट. तो अगर मेरे पास 6,500 है तो टेम्परेचर विल बी 3,593, 3,300, ठीक है. ये मैंने अभी चेक किया नेट से, तो द टेम्परेचर विल बी नॉट इवन 4,000, कितना बन जाएगा? 3,600 डिग्री सेल्सियस. और अभी हम पढ़ के आए हैं, जो अभी हमने पढ़ा है कि नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो फोटोस्फीयर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 6,000. तो सनस्पॉट्स फोटोस्फीयर में ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे
सन का टेम्परेचर एकदम से 6000 से 3000 डिग्री आधा हो जाता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कहां पे प्रेजेंट है? फोटोस्फीयर में प्रेजेंट है। ये वो वाले पॉइंट है फोटोस्फीयर में जो काले दिखते हैं। काले क्यों दिखेंगे बेटा? हमेशा जब भी आप ब्राइट चीजों के सामने कोई चीज रखते हो, डार्क चीज वो ठंडी होती है, डार्क चीज होती है यूजली वो ठंडी रहती है, ठीक है ना? आपके आपने देखा होगा जो नीचे वाला ब्लॉक होता है, बड़ी बिल्डिंग का सबसे ग्राउंड फ्लोर होता है वो हमेशा ठंडा रहता है। आपके घर में अगर 3 मंजिलें हैं तो सबसे नीचे ठंडे वाला जो होगा, सबसे अंदर वाला होगा, जो सबसे नीचे वाला होगा वो सबसे ठंडा होगा, ठीक है ना? कमरा, वहां पे एसी की जरूरत कम पड़ती है आपको, है ना? उसी तरह से ये वो वाली चीज है, वो वहां पे डार्कनेस ज्यादा होती है, वहां पे लाइट तो नहीं ना आती ज्यादा, तो वहां पे डार्क वो आपको कहां पे जब आप फोटो खींचोगे तो आपको डार्क स्पॉट्स दिखेंगे इस तरह। ये क्यों है डार्क? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर है कम। कितना कम है? 3000 डिग्री सेल्सियस के करीब, 3500 डिग्री सेल्सियस के करीब। कितना होना चाहिए नॉर्मली वहां पे? 6000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, तो तकरीबन आधा हो जाता है। अब क्योंकि एक चीज आपको प्रॉपर्टी में समझा रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना, पहले एक को देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं रहेगा। फोटोस्फीयर इज विजिबल सरफेस फ्रॉम द फ्रॉम व्हिच द एमिटेड मोस्ट ऑफ द सन लाइट रेज ईच। अच्छा, फोटोस्फीयर ऐसी एक लेयर है सन पे जहां से सारे का सारा रेडिएट होके लाइट एनर्जी हमारे तरफ आती है, ठीक है? फोटोस्फीयर से आती है ना, तो रेडिएशन जोन से आती है, ना कन्वेक्शन जोन से आती है, ना कोरोना से आती है, ना क्रोमोस्फीयर से आती है। कहां से आती है? फोटोस्फीयर से आती है। ये बात समझ लगी बेटा? अब आप पूछो, सर ये ब्लैक ब्लैक क्यों दिखाई देते हैं हमें, इसका क्या रीजन है? ठीक है, इसका रीजन मैं अभी बताता हूं, पहले इसको समझ लो क्या होता है। देखो, आपने कभी जनरेटर चलता है देखा? देखा होगा, है ना? उसमें तेल डालते हो आप, ठीक है, तेल डाल के उसको एक बार ऑन कर देते हो स्विच को, कोई चीज घूमने शुरू हो जाती है वहां पे, ठीक है ना? वो घूमती है अंदर, कोई चीज मोटर चलती है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है? अंदर कुछ नहीं होता बेटा, जनरेटर इज बेसिकली सिंपल, कुछ भी नहीं है। आपको अगर मैं बता दूं तो लेट मी शो, वैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है तब भी मैं आपको कराऊंगा। एक मेटल की ऐसी रॉड होती है, ठीक है, उसके ऊपर क्या किया जाता है, ये रॉड है मेटल की, ठीक है, ए बी सी डी करके लगा लो, ठीक है, यहाँ पे दो बहुत बड़े बड़े पावरफुल मैग्नेट्स लगाए जाते हैं, ठीक है ना? ये मैग्नेट है, सपोज ये नॉर्थ एंड है इसका, ये साउथ एंड है, ठीक है ना? अब क्या होता है, इसके ऊपर जो है ना वो पित्तल की तार, कॉपर की तार, ठीक है ना, इस तरह से ब्लेड दी जाती है, और ये सॉलिड आयरन कोर होती है, ठीक है जी? कुछ नहीं होता, मतलब कोई भी मेटालिक चीज अगर कोई रख दोगे, आयरन की चीज रख दोगे, उसके ऊपर आप पित्तल लपेट दो, ठीक है ना? ठीक है, प्रैक्टिकल क्या है, वेरी गुड जगजीत कौर। तो जब ये नॉर्थ और साउथ में अगर आप घूमते हो, तो जब आप ये काम क्या करता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी, ये इनको इनको जला देता है, नॉर्थ और साउथ को इलेक्ट्रिसिटी जब देंगे हम, तो ये बेसिकली हम इसको क्या करते हैं कि ये एक तरह के मैग्नेट्स होते हैं, ये मैग्नेट्स हैं, तो जब ये इनकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स अब क्या होती है, ये मैं आपको तभी कराऊंगा बेटा जब वो घूमेगी, तो वो इसको घुमा देती है। कहने का मतलब ये कॉयल घूम रही है, जब ये कॉयल घूमेगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। अभी के लिए एक मंत्र याद कर लो, रोटेटिंग आयरन या रोटेटिंग मैग्नेट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, रोटेटिंग रोटेटिंग मैग्नेटिक या कोर विल प्रोड्यूस बोथ, दो चीजें प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी इसकी बहुत ज्यादा हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि ऑन द होल स्केल बहुत कम होती है ये इलेक्ट्रिसिटी, पर मैग्नेटिज्म इसका बहुत जबरदस्त है, ठीक है? अब ये मैग्नेटिज्म क्या है, जब आपको देखोगे अर्थ का भी मैग्नेटिज्म होता है, अर्थ में भी नॉर्थ और साउथ पोल होता है, और अर्थ में भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है। ये क्या होता है कि ये इमेजिनरी लाइंस होती है, जैसे कि अगर मैं ये बात करता हूं, एक बार मैग्नेट लेता हूं, बार मैग्नेट का मतलब होता है कोई भी चुंबक लेता हूं मैं, उसका नॉर्थ एंड होता है और साउथ एंड होता है, और आपको सबको पता है
जब इसको आप इस तरह से एक और दूसरे साउथ नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट से लेके जाते हो, जब मैं इसको साथ में लेके जाऊंगा, नॉर्थ एंड और नॉर्थ एंड क्या आपस में अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ। आपने देखा होगा चुंबक से, चुंबक का जब नॉर्थ एंड और उस दूसरी चुंबक का नॉर्थ एंड आपस में लेके आओगे ना, तो वो एक दूसरे को धक्का मारेंगे, इधर को धक्का मारेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं कभी। लेकिन अगर मैं वही चुंबक को साउथ और नॉर्थ की तरफ लेके जाता हूं, ऊपर वाला साउथ कर देता हूं, नीचे वाला नॉर्थ इस तरह रख देता हूं, तो आपस में जुड़ जाते हैं, कभी ये आपने देखा? गुड गुड। तो ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि यहाँ पे हम फिजिक्स वाले इसकी क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिजिक्स वाले बोलते हैं कि देयर शुड बी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो नॉर्थ से जाके साउथ में इस तरह से जुड़ रही हैं। आर यू गेटिंग दिस वन? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक्सेप्ट हो रही है, यहाँ पे ये आ रही है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ इस तरह से मूव हो रही है, तो जब ये आपस में टकराती हैं नॉर्थ और साउथ पोल, तो आपस में जुड़ जाते हैं। जब साउथ और नॉर्थ जब नॉर्थ और नॉर्थ आपस में टकराते हैं, वो दूर हो जाती हैं, ठीक है ना, समझ रख रहा? तो ये मैग्नेटिज्म की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है हमारे पास इस तरह से कुछ, ठीक है। ये इमेजिनरी होती है, मतलब हमें दिखती नहीं है, हम इसको परिकल्पना कर सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा तभी ये हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो रोटेटिंग, जब आप सन रोटेट कर रहे हैं, आपको पता है द सन इज रोटेटिंग हियर, ठीक है ना, जब सन रोटेट कर रहा है, सन भी ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, और सन का भी सर्कल होता है 25 दिन का, अर्थ के 25 दिन सर्कल लेके सन एक बार घूमता है, एक चक्कर आपस में घूमता है, समझ रहे मेरी बात? एक चक्कर में एक पूरा चक्कर, जैसे अर्थ का एक चक्कर 24 घंटे का होता है, उसी तरह सन का एक पूरा चक्कर अर्थ के 25 डेज का होता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसको बोलते हैं रोटेशन। तो सन का वन रोटेशन इज इक्वल टू 25 अर्थ डेज, ठीक है। और ये जो बीच वाला इक्वेटर है किसका? सन का, वहां पे स्पीड है ज्यादा, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कम है, ठीक है, पोल्स पे, समझ रहे हो मेरे पास? पोल्स पे एंगुलर वेलोसिटी कम है, इसकी कोई इतना परिकल्पना नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब है। वॉइस कट हो रही है बेटा ज्योति का? बताओ बेटा, कट हो रही है आवाज? What helps to rotate the sun? बेटा रोटेशन तो सबकी होती है, ठीक है, रोटेशन। अब सन की रोटेशन, सन इज नॉट द सेंटर ऑफ अवर गैलेक्सी, ठीक है ना, अवर गैलेक्सी का सेंटर है, देयर इज अ बिग ब्लैक होल इन अवर गैलेक्सी, ठीक है ना। और मैं आपको बताता हूं कि सन क्यों घूम रहा है, सन भी उसी के चक्कर काट रहा है, हम चक्कर काट रहे हैं सन के, सन चक्कर काट रहा है ब्लैक होल के, सेंटर के, इंटरगैलेक्टिक पाथवे हम बात करते हैं। लेट मी शो यू, तो ये रहा हमारा सन, ठीक है, और ये रही अर्थ, अर्थ इसके चक्कर काट रही है, सन चक्कर काट रहा है, यहाँ पे कहीं पे बहुत बड़ी ब्लैक होल है, बहुत ज्यादा दूर है हम, बहुत ब्लैक ब्लैक होल के बिल्कुल एंड पे पड़े हुए हैं, लेकिन ब्लैक होल है यहाँ पे, ब्लैक होल, इसका इतना गुरुत्वाकर्षण होता है कि ये सन को भी रोटेट कराता है, ठीक है ना। तो सन इसके द्वारा चक्कर काट रहा है, हम सन के चक्कर काट रहे हैं, हमारे चक्कर मून काट रहा है, तो एक पीछे पड़े हुए हैं सारे, समझ रहे मेरी बात? तो ये बहुत बड़ा खेला चल रहा है, ठीक है जी, तो इसीलिए सन भी रोटेट हो रहा है, ठीक है जी। यस वी आर, ये इंटर जो हमारी गैलेक्टिक है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी का बिल्कुल मध्य भाग, बिल्कुल सेंटर में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, और ये सिर्फ मिल्की वे में नहीं है, सारी गैलेक्सियों में एक ब्लैक होल होता ही होता है, ठीक है, ब्लैक होल है, और वो ही सृजना करता है और वो ही तबाही करता है। जब मैं आपको ब्लैक होल करवाऊंगा, आई विल टेल यू व्हाट इज कॉस्मिक रेडिएशंस, कैसे वो इतना बुखर होता है, कैसे वो खाता है गैलेक्सीज को, खाता भी यही है, और गैलेक्सीज की सृजना, और जो जो कहते हैं हम स्टार्स की सृजना भी यही करता है, समझते हो? तो ये कंसेप्ट हमारे हिंदुइज्म में भी है, और हमारे सिखिज्म में भी है, और हमारे क्रिश्चियनिटी में भी है, हर जगह पे ये कंसेप्ट आता है। किस बाप में? ये देखो, शिव जी को आप डिस्ट्रॉयर भी मांगते हो, और वो शिव जी को फर्टिलिटी के लिए भी आपको यूज करते हो, याद है? शिव जी की पूजा जो करते हैं ना, वो पुत्र के लिए भी करते हैं, शिव जी की पूजा, उसको डिस्ट्रॉयर भी माना जाता है, नीलकंठ भी बोला जाता है, समझ रहे हो? दिस इज वन एंड द सेम सिंबल गोइंग ऑल अराउंड। तो ब्लैक इज होल
इज जस्ट लाइक द सेम थिंग, ठीक ना? तो ब्लैक होल बहुत सारे प्लैनेट्स को खाता है और बहुत सारे प्लैनेट्स को जन्म भी देता है, बहुत सारे सूर्य को, बहुत सारे जो सन है उनको जन्म भी यही देता है। और ये तो बहुत बड़ी साइंस है बेटा, इतना हमने नहीं पढ़ना, बट यू शुड नो व्हाट आर ब्लैक होल्स, क्या चीज होती है, ये हम पढ़ेंगे भी। अभी के लिए बस इतना जान लो कि हम उसके गैलेक्टिक सेंटर के अराउंड मूव हो रहे हैं जन्मदाता। यस, चलिए जी, तो सन स्पॉट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। ये क्यों न्यूज में आया था, ये अभी अगस्त 2020 की न्यूज आई है कि सन स्पॉट्स बहुत ज्यादा, एक छोटा सा सन स्पॉट हुआ है और उसके कारण सोलर फ्लेयर हुए थे, सोलर फ्लेयर न्यूज में, ठीक है? तो जैसे अगर हम इसको और डिटेल में फोटो खींचे तो इसका जो ब्लैक वाला पोर्शन है तो उसको हम बोलते हैं उम्ब्रा, उम्ब्रा, और जो उसके साथ साथ वाला एकदम से ये डार्क वाला पोर्शन है, तो कम डार्क वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं पिनुम्ब्रा। क्या बोलते हैं? उम्ब्रा एंड पिनुम्ब्रा। क्या बोलते हैं? उम्ब्रा, उम्ब्रा इज द ब्लैक पोर्शन। ये सन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सन में ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है उम्ब्रा, इसके साइड वाला बाउंड्री वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं पिनुम्ब्रा। यस, चीजों को खींचता बेटा, हर चीज का एक रीजन है साइंस में, ठीक है जी। अब आपको पता होना चाहिए, इन एवरी सोलर साइकिल द नंबर ऑफ सनस्पॉट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस। अब ये आपको पता होना चाहिए सनस्पॉट्स क्या होते हैं, सन सोलर सर्कल क्या होता है, सोलर साइकिल क्या होता है। अब इसको ध्यान से समझना, सोलर साइकिल का मतलब होता है ये 11, मोस्टली 11 साल का साइकिल होता है। हर 11 साल में ना सन में चेंजेस आते हैं। अब ये चेंजेस क्या है कि ये सन स्पॉट्स जो होते हैं ये बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, बिल्कुल कम हो जाते हैं, यानी कि अराउंड एक या दो एक साल में आएंगे, यहां पे आएंगे 15, 20 या 24, 25, 100 एक बार में, ठीक है ना? इसको बोलते हैं, हम जब ज्यादा सन स्पॉट्स आएंगे उसको बोलेंगे सोलर मैक्सिमा, और जब कम स्पॉट होएंगे उसको बोलते हैं सोलर मिनिमा। ये 11 साल का सर्कल होता है, 11 साल का एवरेज पे, कभी 9 भी हो सकता है, कभी 14 भी हो सकता है, ठीक है? ये देखो इस पिक्चर में और इस पिक्चर में कोई आपको देखने को फर्क पड़ रहा, पता लग रहा है मिनिमा और मैक्सिमा में क्या फर्क लग रहा है? किसमें? ए वाला मिनिमम क्यों है? क्योंकि वहां पे सन स्पॉट्स नहीं है। बी वाला मैक्सिमा क्यों है? क्योंकि वहां पे सन स्पॉट्स के सन स्पॉट हो रहे हैं। देखो हर जगह पे स्पॉट्स हैं, हर जगह पे स्पॉट्स हैं। लग रहा है समझ? गुड गुड, ये एक्सरे में हमने देखा उसको, सन को, ठीक है? एक्स मैक्सिमा सन स्पॉट ज्यादा, मिनिमा सन स्पॉट्स कम। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, अब बोलो सर हमें क्यों पढ़ा रहे हो ये? अरे बेटा सन स्पॉट्स जो होते हैं, जितने ज्यादा सन स्पॉट्स होते हैं, इसका देखना ध्यान से, जितने ज्यादा सन स्पॉट्स होते हैं अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ के एटमॉस्फेयर को वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, एल नीनो के बारे में आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगा, ला नीना, ठीक है? ये क्या होता है? अभी आपने देखा 2019 की न्यूज है ये, कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा भीषण आग चली थी, अमेजोन में आग लगी थी, ठीक है? वो आग अपने आप नहीं लगती बेटा, वो सन के द्वारा ही लगाई जाती इतनी दूर से, ठीक है? वो क्या होता है, ये अर्थ कैसे अफेक्ट करता है, ये ज्योग्राफी का हिस्सा बेटा, हम वहां पे पढ़ेंगे, मैं ही करवा दूंगा। जैसे अगर हम जैसे मैं और सर अभी बात कर रहे हैं, कौन करवाएगा, बट जैसे आपको ज्योग्राफी का शुरू तो करवा दिया ना, उसी तरह से हम सर, मैं या सर आपको करवाएंगे व्हाट इज एल नीनो, व्हाट इज ला नीना। बड़ा खेला चल रहा है, बहुत बड़ा खेला चल रहा है, आपको समझ आएगी तब। अभी आप उसका एक हिस्सा समझ रहे हो कि सन स्पॉट के कारण एल नीनो या ला नीना हो सकते हैं, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को, अर्थ के क्लाइमेट को चेंज कर सकते हैं। हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा रोल सन स्पॉट्स का है, समझ लो कोई बात। अब मेरी बात सुनो, सन स्पॉट्स तो आपने सीख लिया, अब हम सीखते हैं, लेट मी शो यू, एक मिनट होल्ड करना बेटा। चलिए अब हम शो करते हैं आपको ये होता क्या है बेसिकली।
बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, सन स्पॉट्स में, सन स्पॉट्स में बेसिकली चल क्या रहा है बेटा, ये देखो ये जो सन स्पॉट्स, आइए दिख रहा है आपको ये फोटो, समय लग रही है आप सोलर साइकिल की, ये देखो सोलर मिनिमा 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 यहाँ पे आने, सन स्पॉट्स आने शुरू हो गए, दिख रहा है आपको, ये देखो ये देखो ये मैक्सिमा हो गया, जब सबसे ज्यादा आएंगे फिर मिनिमा 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 मिनिमा, ये मिनिमम की तरफ चले जाता है, ये 11 साल का अप्रोक्सीमेटली सर्कल होता है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब हम सन स्पॉट भी पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज सन फ्लेयर, सन फ्लेयर क्या होता है, ठीक है। अब आप सोचो कि सन एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, उसका अपना मैग्नेटिक स्फीयर है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी सन की, सॉरी सन की, ठीक है ना, जो यहां से निकल रही है इस तरफ से हर जगह से निकल रही है सन की जो होती है, ठीक है जी। अब ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं, सोचो व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर, यहां पे क्या हो रहा है, ये काला क्यों है, क्योंकि ये ठंडा है, इसका मतलब ठंडा क्या क्या मतलब है, इसने बहुत ज्यादा प्रेशर से क्या कर रखा है कि ये दबा रखा है, हीट को ऊपर नहीं आने दे रहा, क्योंकि अगर हीट ऊपर आ रही होती तो आपको पीला पीला दिखाई देता हर जगह, दिख रहा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इतना ज्यादा मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक स्फीयर है यहाँ पे, कुछ इस तरह का उन्होंने सन ने अरेंजमेंट करके रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे वो हीट को बाहर नहीं आने दे रहा, यानी कि इसमें जो प्लाज्मा है वो कुछ इस तरह से दबाया हुआ है कि वो बाहर नहीं आ रहा, तो वो अंदर रह रहा, जब अंदर रह रहा तो यहाँ पे ठंडा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर है लो, समझो अब क्या हो रहा है, वो होता क्या है बाद में सन फ्लेयर्स के बारे में, लेट मी शो यू सन फ्लेयर्स कहाँ गए। तो सन फ्लेयर्स क्या होते हैं, सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, दे आर मैग्नेटिक लाइन्स नियर सन स्पॉट्स, ऑफन टेंगल क्रॉस एंड रीऑर्गेनाइज, दिस विल कॉल सडन एक्सप्लोशन, दैट इज नोन एज सोलर फ्लेयर, ठीक है। होता क्या है देखो, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को घुमाई जाओ आप, घुमाई जाओ घुमाई जाओ घुमाई जाओ घुमाई जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा आपस में जकड़ी जाएंगी ये ऐसे करके, कभी आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना कि क्या करना है, अभी आपने एक रबड़ लेनी है, उसको ऐसे करके मोड़ी जाना मोड़ी जाना मोड़ी जाना और मोड़ी जाना, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल ऐसे करके खुल जाएगी, ठीक है ना, इतना ज्यादा आपस में टच होने लग पड़ी इस तरह, ये दिख रहा है, लग रहा, समझ, सोचो इतना मैग्नेट है, इतना ज्यादा टाइट कर दिया उसकी मैग्नेटिक फील्ड को, वो बेंड होगी इस तरह से, समझ गए, जब भी आपस में टकराएगी तो ये एक एक्सप्लोजन करेगी, उस एक्सप्लोजन का नाम है सोलर फ्लेयर, क्या नाम है उसका, ये टैंगल का क्या मतलब होता है, आपस में टकरा जाती हैं ऐसे करके, देखो लगी, जब ये आपस में टकराएंगी है ना, तो ये एक बहुत ज्यादा, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरा था ना, उतना ज्यादा इसका एनर्जी निकलेगी बाहर, ठीक है ना, तो ये हम उसको बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स, मैं आपको अभी वीडियो भी दिखाता हूँ, बट ये सोलर फ्लेयर्स के इसको इसी को बोलते हैं, जब मैग्नेटिक लाइंस इतनी ज्यादा भर के आपस में टकरा जाती हैं तो क्या होगा, हमारे पास सोलर फ्लेयर्स आएंगे, ठीक है। अब ये करते क्या, सोलर फ्लेयर बहुत ज्यादा एनर्जी को धरती की तरफ, हमेशा धरती की तरफ नहीं मतलब स्पेस में भेजते हैं, और धरती भी कभी उसके जकड़ में आ जाती है तो वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, उसको हम बोलते हैं जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, क्या बोलते हैं हम, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, इसके कारण बहुत सारे हमारे जो सैटेलाइट्स है वो खराब हो सकते हैं, रेडियो ट्रांसमिशन पे खराबी हो सकती है, और हमारे जो पावर ग्रिड्स हैं जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो खराब हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, इसलिए हमें इनको पढ़ना जरूरी है, चल रहा है आगे, समय लग रहा है, ठीक है जी, चले आगे, ओके ओके ओके, आ गया सोलर फ्लेयर पढ़ लिया, ये देखो अब हम पढ़ते हैं, ये देखो सोलर फ्लेयर, ये धरती यहां से उठा और ये धरती की तरफ गया, यहाँ पे इसका अर्थ अपना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, धरती की एक कवच है, सोचो एक कवच है, ये अदृश्य कवच है जो सन फ्लेयर को बचा रहा है, सन फ्लेयर से धरती को बचा रहा है, चले आगे, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है क्रोनल मास इजेक्शन, अब मेरे को बताओ एक डिफरेंस, सोलर फ्लेयर कहां से हो रहा है,
फोटोस्फीयर से, ठीक है ना। लेकिन कोरोनल मास इजेक्शन कहां से हो रहा है? कोरोना से, समझ रहे हो? कोरोनल मास इजेक्शन कहां से होगा? फोटोस्फीयर से नहीं होगा, मैं वीडियो दिखा रहा हूं बेटा। तो वो कहां से होगा? यहां पे जो कोरोना है वहां से। तो ये जो क्या होता है कि जो आउटर कोरोनल मास इजेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोरोना में जो मास है वहां से एक तरह से निकल के गया, निकल के गया, ठीक है ना। इसको आप इस तरह से समझो, लुको लुको मैं बताता हूं। कभी आपने गोली चलती देखी है? गोली चलते, लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। लेट मी शो यू, एक मिनट। अभी वीडियो देखना, एक All मिनट। एक मिनट, ये देखना, ये दिख रहा है आपको? ये जो अभी ब्लास्ट हुआ ना, लाइट आई जो आपने देखा, ये लाइट आपने देखी अभी? जो अभी लाइट आई थी वो सोचो सोलर फ्लेयर है, और जो बाहर गोली गई है ना वो कोरोनल मास इजेक्शन है। लग गई समझ? तो आपको मैंने जब साउंड कराई थी तब मैंने आपको बताया था कौन पहले दिखाई देगा या कौन अर्थ पे पहले आएगा, ये बताना। लाइट पहले पहुंचेगी या क्रोनल मास इजेक्शन या वो बुलेट? लाइट, वेरी गुड। तो अब समय लग गया क्या होगा? सोलर फ्लेयर धरती पे 8 मिनट में पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि धरती से जो सूर्य का दूरी है वो सुबह आपको धरती जो लाइट आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट लगते हैं, 8.5 मिनट। तो उतने टाइम पे ही सोलर जो है फ्लेयर है वो सारे का सारा अर्थ पे आ जाएगा, 8.5 मिनट। लेकिन जो कोरोनल मास इजेक्शन है वो गोली की तरह है, समझ रहे हो? वो गोली की तरह है और वो बहुत आराम आराम से पहुंचेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत ज्यादा कवर करना पड़ेगा उसको। कोरोना से आ रहा है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा धरती पर पहुंचने के लिए। लग गई समझ बेटा? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एक और देख लो, फिर दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये देखो, ये जो आगे गई है ये है कोरोनल मास इजेक्शन, और ये जो है अभी जो दिख रहा था ये था आपका, ये देखो, ये है कोरोनल मास इजेक्शन, दिख रहा है? अभी मैं नासा की वीडियो बताता हूँ, ये नासा ने ही बनाया बताया है, नासा के में ही ये बताया गया है। एक और वीडियो देखते हैं हम, एक मिनट, कॉपी शो, एक मिनट रुकना बेटा बस। हाँ, ये देखना ध्यान से, फ्लेयर भी दिखाएंगे वो। और पहले इसको क्वेश्चन, एक मिनट रुको, लेकिन इसको देख ले एक बार पहले, फ्लेयर भी दिखाएंगे। देखो ये नासा की ऑफिशियल वीडियो है, ये क्या है? फ्लेयर है, देखो ये स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा, कोरोनल मास इजेक्शन देख लो अभी। ये 1 से 3 दिन लगते हैं, ये देखो, ये देखो। ये सीएमई है, कोरोनल मास इजेक्शन, ये फ्लेयर्स है।
ये भी सीएम ही है देखो। लग गया समझ। ओके डू यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज कोरोनल मास इजेक्शन एंड व्हाट इज यस गुड 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 फ्लेयर गुड गुड दैट्स गुड दैट्स गुड। जो चला नहीं बेटा आप YouTube पे भी देख सकते हो, नहीं तो YouTube पे ये चला होगा आराम से, पता चला है ना YouTube वालों। Yes, good, good, good. तो आपको ये समय लग गया है, अब हम आगे चलते हैं। और ये जो क्रोनल मास इजेक्शन होता है या ये जो होता है क्या कहते हैं, उसी कारण जो अरोला बोरियालिस पे बनते हैं हमारे पास, ठीक है पैटर्न। हर तरफ बेटा हर तरफ 360 डिग्री हर तरफ घूमती है उसकी लाइट, ठीक है। सोलर साइकिल के बारे में आपको बता दिया है क्या होता है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया व्हाट इज सोलर साइकिल, व्हाट इज कोरोनल मास इजेक्शंस, व्हाट इज सोलर फ्लेयर्स, ठीक है। और ये कैसे इन्फेक्ट करते हैं, कैसे क्या होता है, सबसे पहले कौन पहुंचेगा सोलर फ्लेयर के कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, क्या सन की सबसे पहले लाइट कहां पड़ती है, ये क्या क्वेश्चन है, कहां पे आया था मनप्रीत बेटा। 360 डिग्री घूमेगी, ये तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ पे आ रही है, किस सिटी में, जापान में, इंडिया में, हाँ ये क्वेश्चन आया था, ये इस तरह से आया था, ये क्वेश्चन मैंने देखा था, पूछ रहा था, हाँ इंडिया में ईटानगर आई थिंक, हाँ जो सबसे ईस्ट वाला पोर्शन होगा इंडिया में, ठीक है ना, तो वहां पे मैं आपको कराऊंगा जब ज्योग्राफी कराऊंगा, वहां से आपको देखना है कौन सा पड़ता है, आई थिंक ईटानगर है या कुछ और है, ऑप्शंस के थ्रू आप चल सकते हो अरुणाचल प्रदेश में, यस वही पे है, वही पे है बेटा, दैट वी नीड टू चेक, आई थिंक इट्स अरुणाचल प्रदेश नॉट मेघालय, ठीक है, नॉट न्यूजीलैंड, जापान, वर्ल्ड में जापान में। अरे बेटा इतनी दूर मत जाओ, अभी चलते हैं वहां पे भी चलेंगे। सो बेसिकली व्हाट वी नीड टू नो इज फ्लेयर्स एंड सीएमपी, इसका इंपैक्ट क्या होता है, इसको ध्यान से देखो, बच करो बच करो, हंसो हंसो मत मानो, ठीक है ना। फ्लेयर एंड सीएमई, सीएमई इज क्रोनल मास इजेक्शन हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है। अब देख लो इधर, इधर देखो, द एनर्जी फ्रॉम द फ्लेयर कैन डिसरप्ट द एरिया ऑफ एटमोसफियर थ्रू विच द रेडियो वेव्स ट्रेवल, तो रेडियो वेव्स में इसको ट्रेवल करने में बहुत हानि होती है, तो इसीलिए क्या हो सकता है, देयर कैन बी टेम्परेरी ब्लैकआउट। जब टेम्परेरी ब्लैकआउट होगा, अगर सीएमई या कोई फ्लेयर्स होते हैं तो उसके कारण क्या हो सकता है, जो जहाज अभी लैंड कर रहा है उसको, उसके साथ कम्युनिकेशन ही होगा, तो दूसरा जहाज भी लैंड कर रहा, तो दोनों टकरा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए हमें इनको मॉनिटर करना जरूरी है बेटा, क्योंकि हमारी रेडियो वेव्स के लिए सीएमईज और फ्लेयर, सोलर फ्लेयर्स बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। बस करो यार, अब क्या करी जा रहे हो रिबिका, बस करो। यस गुहार मोती मे बी ही होगा, आई डोंट नो, इसका मैंने पढ़ा था जब मैंने करवाया था, काफी टाइम गया। चलो आगे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड जो सीएमई है वो क्या कर सकते हैं, वो आपकी ग्रिड्स को जो है वो खराब कर सकते हैं, ठीक है, रेडियो ट्रांस जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स को खराब कर सकते हैं, जीपी आप लोकेट ही नहीं कर पाओगे कि आप किस तरफ से हो, कितने यार्ड पे आपका फर्क पड़ जाएगा, यार्ड्स का फर्क पड़ जाता है। तो अगर आप जहाज में हो तो जहाज का अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है उसकी किस लोकेशन पे है, तो उससे काफी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो इसीलिए आपको इन दोनों को वॉश डाउन करना पड़ता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ, ठीक है जी। सन का सर्कल आपने कर लिया, अब इसको पढ़ने की कोशिश करो जरा। द सैटेलाइट प्रोवाइड्स ऑब्जर्वेशन ऑफ सन्स फोटोस्फियर, ठीक है, क्रोमोस्फियर,
एंड करोना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो जो आदित्य L1 है वो तीनों चीजों को ऑब्जर्व करेगा, फोटोस्फीयर को भी, क्रोमोस्फीयर को भी, कोरोना को भी। ठीक है, ओके आगे चलते हैं फिर हम। ये भी हो गया। एस्ट्रोसैट जो इससे पहले भेजा था सितंबर 2015 में, वो था टू स्टडी सेलेस्टियल सोर्सेज इन एक्सरे स्पेशल बैंड्स। इसको सभी स्टोर स्टडी करनी, और इसने ब्लैक होल्स की स्टडी करने के लिए भी इसरो ने एस्ट्रोसैट भेजा हुआ है हमारे पास। ठीक है, आदित्य L1 विल बी सेकेंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन आफ्टर एस्ट्रोसैट। तो इस सेकेंड स्पेस बेस्ड है, फर्स्ट हीलियो बेस्ड है। हीलियो बेस्ड मतलब सन बेस्ड मिशन है। ठीक है जी, चलो ये आपको समझ लग गया है। अब लेट्स मूव ऑन टू समथिंग न्यू। ठीक है, ये हमने कर लिया है, ये इसके बारे में पढ़ लिया हमने अच्छे से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट मी शो यू व्हाट इज दैट टॉपिक इज। एक मिनट रुको, बस वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस। यस यस यस। चलो ये देखो, लेट्स स्टार्ट विद समथिंग। बस नेक्स्ट 10 मिनट में आपकी क्लास बंद हो रही। बेटा कोई बात नहीं, मेरे को पता लग गया 11:30 हो गया। टाइम क्यों बता रहे हो, मेरे पास भी लगी है घड़ी, कल ही आपके पास नहीं लगी हुई। मेरे को खत्म करना है क्योंकि आई एम वेल मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग विद बायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका जी, चंद्रयान 2 के बारे में कुछ चीजें पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मिशन भी। टोटल इंडिजिनस मिशन है। इंडिजिनस मतलब क्या होता है, जो हमने खुद घर में बनाया हुआ वो वाला मिशन है। इसके पास 3 चीजें होंगी, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ठीक है जी, इट विल बी इसरोस फर्स्ट मिशन टू स्टडी एनी सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी को स्टडी करने के लिए, यानी कि सेलेस्टियल बॉडी कौन सी होती है, जो अर्थ के बाहर कोई भी प्लैनेट आता है, चाहे वो मून आता है, चाहे वो इस तरह से चीजें आती हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। तो ये पहला अर्थ का, इसरो का सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का मिशन है। ठीक है, चंद्रयान 2, और ये पहली बार होगा कि कोई मिशन ये लैंड करेगा। किस तरह से, 3 चीजें होंगी इनके पास। एक होगी ये जो ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर मतलब ये मून के चक्कर काटेगा। ठीक है, ये ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर है ये वाला। ठीक है, सैटेलाइट की तरह एक है, वो काम करेगा। ठीक है, ऑर्बिटर है। ठीक है जी, तो एक हमारे पास है लैंडर, ये वाला लैंड जो वहां पे लैंड करेगा, इसका नाम है विक्रम। ये विक्रम साराभाई के नाम पे है, जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस मिशन, तो उसके नाम पे हमने डाला है मिशन। अब ये भी लेबोरेटरी की तरह काम करेगा। ठीक है, और हमने एक लैंडर भी भेजा। लैंडर का मतलब होता है हमने एक रोबोट भेजा है जो चले चलेगा और सैंपल लेगा, यहाँ से सैंपल लेगा, टेस्ट करेगा, टेस्ट की रिपोर्ट यहाँ सेंड करेगा, यहां से ये करेगा ऊपर जो हमारे पास ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर हमारे पास सेंड करेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो मोटा मोटा यही है हमारे पास, क्या कहते होते हैं, हमारा चंद्रयान 2 मिशन। ठीक है जी, चंद्रयान 2 मिशन को बेसिकली किसने, कहां से, किसे लॉन्च किया गया था, GSLV Mark 3 से, क्योंकि इसका पे लोड कितना था, इतना केजी भारी था, इतने केजी इसका मास था। तो इसके लिए हमें कौन सा चाहिए था, GSLV Mark 3 हमने इसको ऊपर भेजा इसके साथ। अब ये क्या स्टडी करेगा, टोपोग्राफी, मिनरोलॉजी, एलिमेंट अबंडेंस, लूनर एक्सोस्फियर और हाइड्रोक्सल एंड वाटर आइस। तो ये एक तो जो मून है ना, उसके साउथ पोल में जाके, पहला ये पहला कंट्री होगा इंडिया जो साउथ पोल में जाके ये जाएगा, इंडिया। ठीक है ना, और साउथ पोल पे लैंड किया भी है, लेकिन ये क्रैश हो गया अभी, आपको पता होगा, चंद्रयान 2। ठीक है, तो वहां से डाटा लिखाएगा। यस, ये फेल हो गया था, ये फेल हो गया था, पूरी तरह फेल नहीं हुआ क्योंकि ये तो अभी चल रहा है ऑर्बिटर। ठीक है, ये तो एनालिसिस कर ही रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया है हमारा। अब ये इस तरह से आपको फोटो खींचेगा और ये सारे का सारा डाटा कहाँ भेजेगा, विक्रम के पास, प्रज्ञान इसका नाम है, प्रज्ञान। ठीक है, प्रज्ञान अपना सिग्नल कहाँ भेजेगा, विक्रम के पास, विक्रम अपना सिग्नल कहाँ भेजेगा, चंद्रयान के पास जो ऑर्बिट कर रहा है, और ऑर्बिट से हमारे पास। ठीक है, धरती के पास, लग गई समझ। चलिए बेटा, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे थोड़े से जो इंडिया के मिशन बाकी बचे हैं वो, और ग्लोबल मिशन थोड़ा सा,
ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करके वी विल स्टार्ट विथ मोस्ट प्रोबेबली बायोलॉजी, ठीक है, क्योंकि बच्चों का आ रहा है जिनका सीएपीएफ है कि उनको बायोलॉजी पढ़नी है, तो मैं इनका करा लो, वो कर लेते हैं हम, ठीक है। ओके बेटा, थैंक्स फॉर बीइंग सच ए पेशेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स बेटा, थैंक्स, ओके जी, ओके।